फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द ऑल न्यू वर्ल्ड ऑफ कॉस्टिंग कॉस्टिंग की दुनिया में आपका स्वागत है फ्रेंड्स बोलने के लिए कॉस्टिंग है जो काफी हद तक आपको बेसिक साउंड करता है बट इस कॉस्टिंग सब्जेक्ट का नया नाम रख दिया गया है इन योर फाइनल्स विच वी आर कॉलिंग एज एस सी एम एंड पी ई फुल फॉर्म इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन वी विल डिस्कस एवरी थिंग फ्रॉम वेरी रूट आई चेरिश आवर सब्जेक्ट बिकॉज जब से ये सब्जेक्ट बदला है इंस्टीट्यूट ने तब से एक बहुत ही अद्भुत रिफ्लेक्शंस दिखने को मिल रहा है अमाउंट पास आउट चार्ट अकाउंटेंट्स एंड दैट इज़ कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं सी बनने के बाद और नया कुछ हो रहा है ये कि पूछते हैं कि सर कैन बी परस्यू आवर करियर विथ दिस सब्जेक्ट क्या हम कॉस्टिंग को लेकर जो हम फाइनल में पढ़े अपना करियर बना सकते हैं ऐसा पहले कभी नहीं होता था ओल्ड सिलेबस में तो कभी नहीं होता था लोग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्सेशन ऑडिट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके अपना करियर बनाते हैं वो कंसोलिडेशन करेंगे अपने कंपनीज में टैक्स कंसल टैक्स प्लानिंग वगैरह करेंगे कन, कई बार प्रैक्टिसिंग होता है तो टैक्स कंसल्टेंसी या टैक्स प्रैक्टिस करते हैं आप या ऑडिट करते हैं ये तीन सब्जेक्ट में ही हम लोग अपना जीवन बिता देते हैं बट ये जो सब्जेक्ट है हमारा एस सी एम एंड पी ये एक आपको नया दिशा दिखाता है कि इसमें भी ज़िंदगी बन सकती है और ये कितना बड़ा एक इंस्ट्रूमेंटल इन, पार्ट है कंपनी के ग्रो करने के लिए वो ये सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आपको सीखने मिलता है इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत बार स्टूडेंट्स आजकल ऐसे भी आते हैं कि सर मैं इसमें और स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ सी बनने के बाद तो कुछ रास्ते हैं तो बताइए तो कुछ चीज़ें जो एंड में बताई जाती है बट मैं आपको हल्का हल्का अभी अभी भी बता दूं कि जैसे सी है सी के बाद इस सब्जेक्ट को लेकर अगर आगे कुछ करना है तो इस सब्जेक्ट का मदर बॉडी वर्ल्ड में एक ही है जिसका नाम है सीमा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ये यूके का बेसिकली कॉस्ट अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट होता था जिन्होंने अपना नाम चेंज करके चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स बना लिया तो ये वर्ल्ड का मदर बॉडी है जिसने सारे कंसेप्ट को ठीक से एग्रीगेट किया है और फिर वर्ल्ड वाइड जितने भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट के सिलेबस हैं उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है आपके ये जो सर हैं सतीश सर उन्होंने सीमा भी पास किया हुआ है सीमा से थोड़ा सा हल्का है सी एम ए यू एस ये यू एस ए का कॉस्ट अकाउंटेंट हुआ और इसके अलावा आप बोल सकते हैं इंडिया का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी है जो इस सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत डील करता है अगर मोस्ट मैचिंग सिलेबस अगर आपका जो एस का मिलेगा वो सीमा से काफ़ी मैचिंग मिलता है वैसे यूके की एक और बॉडी है जो एक डिग्री देती है जिसका नाम है ए ये भी यूके की बॉडी है एक्चुअली यूके में अलग अलग तरह के अकाउंटेंट की डिग्री होती है एक और बेसिक अकाउंटेंट डिग्री होती है उसके अलावा ये वाली होती है फिर उसके ऊपर यूके में आपका ऑडिटर का डिग्री अलग होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स एक अलग है जो ऑडिटर बनाता है तो ए सी सी ए सीमा यू के का सिलेबस से काफ़ी मैचिंग है सीमा का रिकग्नीशन ज़्यादा है ए सी सी ए का रिकग्नीशन थोड़ा सा कम है तो ये सब कुछ इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस हैं जो आपके सिलेबस को टच करता है मतलब ये जस्ट नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया और ये इसलिए भी बताया कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है आई सी आई इंडिया वो अपने क्वेश्चंस को भी इन्हीं से ले लेकर मॉडिफाई करता है मेरे पास तो इन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स है बिकॉज मैं सबके बुक्स पढ़ते रहता हूँ सो so, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ से उठा उठा के आपके सिलेबस में भी डाला जाता है तो इन फ्यूचर कभी आपको लगे कि मुझे इस पर्टिकुलर डिग्री पर आगे और भी काम करना है तो दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर स्पेशलाइजेशन इन दिस सब्जेक्ट आप अभी मेरे साथ जब बैठे हैं तो खाली हाथ ना बैठें एक कॉपी लेकर जो नई नई आपने बनाई रखी होगी आज के लिए उसको कुछ भी पॉइंट्स में यहाँ लिखते रहूँ नोट करते रहें जिससे कि कोई भी बात आज हम जो कर रहे हैं आप चाहो तो तीन साल बाद भी वापस उठा कर देख सकते हैं ठीक है दोस्तों मेरा ऐसा मानना है आई बिलीव कि फ़र्स्ट क्लास में आपका बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है एंड सिमिलरली हमारा भी फर्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है एक्साइटमेंट एजेंड कि कुछ नया कर रहे हैं को कई लोगों के लिए फर्स्ट ट्यूशन भी होता है और हमारे लिए भी हर बार एक नया बैच एक नया एक्सपीरियंस होता है बिकॉज़ चीज़ों को अलग तरह से देने की हम लोगों की प्लानिंग होती है सो हम भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक नया चैलेंज फेस कर रहे होते हैं पढ़ाने के लिए बट ये दोनों चीज़ में जो अंदर में खलबली रहती है उसको दूर करने का एक तरीका होता है औरटेशन ये और बेसिकली एक ऐसा शब्द है जो मतलब रखता है कि आप सब्जेक्ट को जाने हमें जाने और हम आपको जाने इट्स जस्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन ब्रिज बिटवीन वी बोथ और यू कैन से यू एंड योर सब्जेक्ट और यू एंड योर इंस्टीट्यूट एक्सपेक्टेशं फॉर द सब्जेक्ट सो दैट व्हेन वी स्टार्ट दिंग्स इट इज मच मच ईजियर टू डू ठीक है सो ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको अगर समझ लेते हैं हम लोग तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जैसे कि आप किसी कंपनी में फर्स्ट डे अगर जाकर जॉब करोगे तो आपका पहले ओरिएंटेशन होना चाहिए ओरिएंटेशन मतलब आपको वहाँ के हम लोग कल्चर बताएँगे हम आपको वहाँ का सीनियर कौन है जूनियर कौन है पॉलिसीज़ क्या है ये सब बताएँगे दिस इज़ कॉल्ड एज ओरिएंटेशन, ठीक है कि हम लोग क्या काम करते हैं हम लोग कैसे हैं हम लोग पूरे ओवरऑल एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे इम्प्लॉयमेंट में होता है उसी तरह से मुझे लगता है कि एक नया बैच एक नए टीचर एक नए जगह जाने से ओरिएंटेशन होना चाहिए ठीक है जैसे कोई फ्रेंड फ्रेंड के घर गए तो वो फ्रेंड आपको सबसे मिला रहा है अपने घर के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा है वो ओरिएंटेशन है जिससे कि आप जल्दी उसमें ढल जाएं सो so, कुछ पहले मैं बता दूं विथ एस आपका क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहने वाला है और आपके सारे प्रॉब्लम्स एस कैसे दूर करेगा ऑल right? और हम लोग ये जो नया मोड ऑफ़ लर्निंग है जो अभी आप हमारे साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आएंगी तो वो सब कैसे सॉल्व होंगे सो so, मैं छोटी छोटी बातें बताते जाऊंगा और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप हर छोटी बात को भी लिखते रहें अपने आप को इंगेज रखें जो सर के स्क्रीन पर है वो आपकी कॉपी में आते रहे तो आपको हर बात याद रहेगी नहीं तो आज है कल नहीं भी रहेगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो क्लास हो रही है नए नए बैच में ये सी फाइनल का एक्सक्लूसिव बैच है एक्सक्लूसिव बैच मतलब यहाँ पे हम लोग सिर्फ सी ए फाइनल के स्टूडेंट्स को ही बैठा रखे हैं पहले के हमारे बैचेस में सी ए और सी ए में दोनों रहते थे ठीक है सी ओल्ड सिलेबस भी घुस जाते थे और सी ए न्यू सिलेबस भी रहते थे तो हमें सबको केटर करना पड़ता था ऑफ लेट एज़ यू नो सी ए फाइनल बहुत ही डायनमिकली बदल दिया है अपने आप को न्यू सलेबस में आप सबको सारी खबर थोड़ी थोड़ी मिलती ही रहती होगी तो इसलिए ये नीड आ गया कि हम सी ए फाइनल के लिए अब एक्सक्लूसिव बैच करें अब यहाँ पर कुछ भी मिलावट नहीं चलेगा जिससे कि हम फोकस्ड वे में आपके तरीके से आप मतलब जो सी ए फाइनल न्यू सिलेबस की रिक्वायरमेंट उसके तरीके से आपको पढ़ा सकें ओके सो so, आपको कोई भी इस पर्टिकुलर बैच में डिस्कशन यदि हो रहा है तो आपको वंडर करने का ज़रूरत ही नहीं है कि क्या जो सर बता रहे हैं वो मेरे लिए रिलिवेंट है ऐसा सोचने का ज़रा सा भी एक परसेंट भी ज़रूरत नहीं बिकॉज सिर्फ आपके हिसाब से ही यहाँ पे बातें की जाएंगी ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के एस के, के आज तक के बैचज़ में फर्स्ट ऐसा बैच है जो सी फाइनल न्यू सिलेबस के लिए एक्सक्लूसिव हम लोग करा रहे हैं ऑल राइट right? इसके बाद हम लोग सी फाइनल का अलग से बैच करेंगे ओल्ड सिलेबस अब जा चुका है तो ओल्ड सिलेबस के लिए कोई अलग से कोई बैच होगा नहीं ऑल राइट सेकेंड बात इस बैच में जब हम अपने पढ़ाई कर रहे हैं तो क्लास की जो मोड हो रही है क्लास मोड उसको हम लोग बोलते हैं लाइव मोड एज वेल एज़ डाउनलोड मोड इट इज़ नॉर्मली रिटर्न इन आवर कम्युनिकेशंस विच आर गिवन टू स्टूडेंट्स एज हम लोग इसको ऐसे लिखते थे लाइव भी वीडियो भी और क्या चाहिए लाइव भी मिला वीडियो भी मिला और क्या चाहिए वॉट एल्स तो ऐसा कम्युनिकेशन हम लोग स्टूडेंट्स को देते थे बिफोर स्टार्टिंग दिस बैच सो इस बैच में आपको क्या मिला लाइव भी और वीडियो भी बहुत सारे बच्चे लेट से ज्वाइन करेंगे मुझे पता है ये बैच हम लोग इस तरह का हर दो दो तीन तीन महीना में तो नहीं करेंगे तो बहुत सारे बच्चे बाद में ही लाइव के बाद ही शायद ज्वाइन करेंगे तो उनको शायद यही वाला ऑप्शन मिलेगा बट जो हमारे साथ लाइव में आज से आप जुड़े हो आप लोगों को दो दो सौगात मिल गई लाइव भी और वीडियो भी सो so, लाइव के लिए आपका कोई व्यू कैलकुलेशन नहीं है इट्स जस्ट लाइव हो रहा है तो आप आराम से क्लास देखो और अगर किसी कारण से लाइव छूट जाए या फिर किसी कारण से आपको लगे कि आज जो लाइव में हुआ थोड़ा मुझे वापस देखने का मन है तो आप डाउनलोड करके या फिर आपकी क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद बिना डाउनलोड किए भी जैसे यूट्यूब में डायरेक्ट प्ले बटन दबाते हैं तो स्ट्रीम होने लगता है वैसे स्ट्रीम ऑप्शन से भी आप यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन में क्लास देख सकते हो इस डाउनलोड के लिए रिव्यू रेस्ट्रिक्ट किया गया विच इज़ वन पॉइंट फाइव व्यूज़ ऑल राइट डाउनलोड मतलब हम लोग बोलना चाह रहे रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे और इस पूरे प्रोग्राम की वैलिडिटी आपको हम लोग अढ़ाई साल देते हैं बट इनिशियली टू ईयर्स दिया गया है और एक्सटेंडेबल बाय सिक्स मंथ्स लास्ट में रहेगा ठीक है वैलिडिटी इज़ टू ईर्स ऑफिशियली एक बार टू ईयर्स ही देते हैं उसके बाद एक्सटेंडेबल अप टू सिक्स मंथ्स रहेगा सो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट आज अगर एक ट्यूशन लेगा क्लास करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ढाई साल बाद एग्ज़ाम दे देता है अनटिल अनलेस वो डेफर ना किया अपने टर्म को तो फिर उसी हिसाब से हमने अढ़ाई साल का एक मैक्सिमम ड्यूरेशन पकड़ा है इनिशियली दो साल दिया जाएगा उसके बाद छः महीना और ठीक है ग्रेजुअली हम लोग अभी जैसे आपको जो क्लास करा रहे हैं वो गो लाइव एप्लीकेशन जैसे कि आप लोग अभी यूज़ करें वो आपका एंड्रॉयड मोबाइल और लैपटॉप में चलता है आप दोनों में से किसी एक में क्लास कर सकते हो कभी आपका लैपटॉप काम ना कर रहा हो या आप लैपटॉप के साथ ना हो तो आप मोबाइल में भी क्लास देख सकते हो कभी आप मोबाइल में भी देख रहे हो तो बाद में लैपटॉप में भी स्विच कर सकते हो बस ध्यान रखिएगा डिवाइस एक ही रहती है मतलब बार बार डिवाइस चेंज नहीं होता है मतलब कि आप आज किसी का मोबाइल कल किसी और का मोबाइल में नहीं देख सकते वैसे आज किसी एक लैपटॉप कल किसी और लैपटॉप में देख सकते लैपटॉप जिसमें फर्स्ट टाइम ऑन किया उसी में हमेशा देखना होगा मोबाइल जिस जो फर्स्ट टाइम ऑन किया उसी में हर बार देखना होगा जस्ट इन केस कि मोबाइल ख़राब हो गया फॉर्मेट हो गया या फिर मान लीजिए आपका लैपटॉप ख़राब हो गया फॉर्मेट हो गया तो आप एस जी सी हेल्पलाइन में कनेक्ट करेंगे तो वो आपका बाकी का जो बचा हुआ सेशंस से, है वो दूसरे लैपटॉप में आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं बट वो बहुत ही ऑफ सीरियसली लिया जाता है उसको बहुत लिबरली हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे ठीक है जी ग्रेजुअली क्या होगा कि जब हम लोगों का बैच ख़त्म हो जाए तो हो सकता है हम लोग हम लोगों के पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर रहते हैं क्लास कराने के लिए अगर आपने हमारे से पहले कभी क्लास की है तो हम लोग और भी दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं अभी गो लाइव में आपकी क्लास चल रही है बिकॉज ये हमारा एप्लीकेशन हमने डेवलप किया है फॉर गिविंग यू लाइव सेशन्स अलॉन्ग विद डैट उसका डाउनलोड सेशन और अगर हम लोग चाहें तो बाद में जो स्टूडेंट्स लेटर ऑन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हो सकता है हम उनको कोई दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू भी क्लास दे सकते हैं जिसमें हमें बेस्ट इजी लगता है हम उसमें देते हैं उन सॉफ्टवेयर का नाम हम लोग कॉन्टेंट ब्राउज़र सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं सो so, आप देख लीजिएगा आपको किस में मिलेगा जो भी होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा ठीक है तीसरी बात सर ये डाउनलोड वाली क्लास कब तक हम लोगों को मिल जाएगी ये डाउनलोड वाली क्लास जनरली आपको आफ्टर क्लास विद इन टू आवर्स मिल जाती है विद इन टू आवर्स आफ्टर क्लास विद इन टू आवर्स आफ्टर क्लास आपको मिल जाती है टू आवर्स मैंने एकदम हाइएस्ट टाइम लिया है और कभी अगर वीडियो में कोई असुविधा हो गया जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो साथ साथ रिकॉर्डिंग भी चल रहा है लाइव भी ये टेलीकास्ट हो रहा है कभी किसी कारण से वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो गया तो इट मे टेक लॉन्गर एंड उसकी अपडेट मैं आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा ठीक है नंबर फोर आपको कोई भी तरह की टेक्निकल दिक्कत आए स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए बेसिकली हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर बना रखा है आप सबके मोबाइल में ये नंबर सेव्ड होना चाहिए अगर नहीं है तो आप कृपया करके अभी कर लें एक लैंडलाइन नंबर है ज़ीरो थ्री थ्री फोर ज़ीरो फाइव नाइन थ्री एट डबल ज़ीरो और दूसरा नंबर है प्लस नाइन वन करके आप सेव करें क्योंकि इससे व्हाट्सऐप भी आपके पास आ सकता है एट वन डबल जीरो डबल वन डबल टू डबल टू एट वन डबल जीरो डबल वन डबल टू डबल टू इससे हम लोग व्हाट्सएप भी आपको कभी कभी भेजते हैं बट व्हाट्सएप पे सपोर्ट नहीं करते हैं सपोर्ट के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा यू कैन कॉल अस एंड सेकेंडली देर इज़ एन ई मेल आई डी वेयर वी मॉनिटर एवरी थिंग And support you which is केयर ये सब आपके मोबाइल में सेव्ड होना चाहिए जिससे कि बार बार आपको वेंडर ना करना पड़े कि सपोर्ट कैसे मिलेगा कहाँ मिलेगा आपको किसी के पास जाने का दरकार नहीं किसी दोस्त से टेक्निकल सपोर्ट का टेंशन लेने का दरकार नहीं है यहाँ पे एक बहुत ही मेहनती और डेडिकेटेड टीम आपके लिए लगाया गया है और इन सब को मैं पर्सनली रिव्यू भी करते रहता हूँ हर एक स्पेसिफिकली मेल पे मैं ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि सारे मेल टाइमली सॉल्व हो रहे कि नहीं कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं हर मेल रिजॉल्व होने के बाद आपके पास एक सेटिस्फेक्शन सर्वे भी जाता है जिसमें आप मुझे बता सकते हो कि आपके प्रॉब्लम भी सही तरीके से हमारी टीम से सॉल्व हुआ है कि नहीं अगर नहीं हुआ होता है तो जनरली स्टूडेंट्स उसमें बता देते हैं तो मैं इमीडिएट उस पर एक्शन भी लेके वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व करवा देता हूँ सो so, Team is very dedicated for you, but just that they work on normal working hours, which is Monday to Saturday, and that is equal to 10 a.m. to 7 p.m. So, this is the normal working time. Sometimes, you know, uh, there can be some holidays because of non working days, so that you have to take care of when you are connecting with us. Call me, query usually. सेम टाइम पे सब सॉल्व हो जाता है अनले अनलेस कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो और ईमेल में विद इन वन डे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं सो so, ये सब आपके पास ये सब के सब आपके पास पूरे रिटर्न रहने चाहिए ये सब आपके पास पूरे रिटर्न रहने चाहिए मोबाइल में सेव रहने चाहिए फिफ्थ नंबर आ रहा है कि आप जब मेरे से पढ़ रहे हो अभी तो आप मेरे से क्वेरीज़ कैसे पूछ सकते हो एकेडमिक क्वेरीज़ क्वेरीज़ फ़ॉर एकेडमिक आप कैसे पूछ सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एकेडमिक क्वेरीज लाइव चैट में जैसे भी आप मेरे से बात कर रहे हैं आप वैसे पूछ सकते हैं इन जनरल लाइव चैट जब आप करें तो थोड़ा सा क्या है ठीक से टाइप करें क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत बार शॉर्ट फॉर्म्स जो आप यूज़ करते हो वो मैं कॉम्प्रीहेंड ना कर पाऊँ इसलिए थोड़ा ठीक से टाइप करेंगे तो समझ में आएगा और मैं देखते रहता हूँ स्क्रीन बहुत तुरंत तुरंत तुरं नहीं देख के आपको रिप्लाई करूँगा जैसे मैं पॉज लूँगा अपने डिलीवरी से आपका देख के रिप्लाई करूंगा जैसे अभी हमारे साथ दर्शन सोलंकी जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं इज़ माई वीडियो लैगिंग बिहाइंड अब ये क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे दूँ आपका देख लीजिए वहाँ पर कुछ वो टाइम चल रहा होगा वीडियो का वो पूरा अब टाइम पर है कि नहीं है वो देख लीजिए सो इज़ माई वीडियो लैगिंग बिहाइंड ये मैं आंसर कैसे कर सकता हूँ अगर इस तरह की कोई भी आपको चेक करवानी है कि सर जो आप बोल रहे हो वो मेरे कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो ये सब के लिए आपके पास स्टूडेंट सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है क्वेरीज़ के लिए लाइव चैट है टेक्निकल क्वेरीज़ के लिए स्टूडेंट सपोर्ट है ये क्वेरीज़ की जब बात हो रही है ये सिर्फ एकेडमिक क्वेरीज़ की बात हो रही है जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ लाइव चैट है आप मेरे से पढ़ते पढ़ते लाइव पूछ सकते हैं सेकेंड नंबर आप अपने दोस्तों से आपस में बात करके टेलीग्राम ग्रुप जो आपका स्पेसिफ़िकली इस बैच का बनाया हुआ है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और विद इन फ्रेंड्स आप रिजॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली मैं टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव नहीं रहता सो so, इसमें आप अपने फ्रेंड्स से आपस में भी कुछ क्वेरी सॉल्व कर सकते हो आप भी किसी को हेल्प कर सकते हो वो भी आपका हेल्प कर सकते हैं म्यूचुअल हेल्पिंग से लर्निंग भी बढ़ता है तो दिस विल हेल्प यू थर्ड नंबर आपके पास ऑप्शन है मेरा व्हाट्सएप नंबर ये मैंने आज तक कभी दिया नहीं फर्स्ट टाइम इस बैच में ऑफ़र कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत नीड आ रही है बहुत तरह से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आपका व्हाट्सएप नंबर मिल जाता तो अच्छा होता थोड़ा और कनेक्शन बना रहता तो मैं व्हाट्सएप आपको नंबर दे दे रहा हूँ आप ये सेव कर लीजिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो इसमें मुझे कभी भी कोई क्वेरी हो तो आप वो क्वेरी थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में लिख कर देंगे और थोड़ा समय देंगे तो मैं सॉल्व कर पाऊँगा मुझे एटलीस्ट वन वर्किंग डे का समय चाहिए टू रिजॉल्व योर क्वेरी क्योंकि मैं हर समय व्हाट्सएप में एक्टिव नहीं रहता मैं आपको बस ऐसे बता के रख दिया बस फिर भी आप ये व्हाट्सएप नंबर सेव कर सकते हो कि ये सतीश सर का व्हाट्सएप नंबर है प्लीज़ इसमें सिर्फ व्हाट्सएप ही करें और कुछ भी ना करें बाकी कोई भी दिक्कत आए आपको स्टूडेंट्स रिपोर्ट रिलेटेड कुछ भी चाहिए वो सब के लिए टीम पूरी डेडिकेटेड है अगर सब कोई मुझसे ही सारा चीज़ सॉल्व कराने लगेंगे तो मैं कर नहीं पाऊँगा मेरी भी अपनी लिमिटेशन है मैं कोशिश करके आपकी सारी क्वेरीज़ को एकेडमिक नेचर की विद इन वन वर्किंग डे सॉल्व करने का कोशिश करूँगा ओके okay? सो so, मैत्री चैटर्जी बोल रही फॉर डाउनलोड ऑप्शन इज़ इट पॉसिबल टू वॉच इन अनदर अदर पी सी अदर देन द वन वेयर आई इंस्टॉल्ड द गो लाइव एप्लीकेशन द आंसर इज़ नो वॉट एवर पी सी यू लॉग इन फर्स्ट दैट पी सी गेट्स रजिस्टर्ड फॉर यू एंड देन यू हैव टू वॉच एवरीथिंग इन दैट पी सी ऐसे तो फिर क्या होगा कि एक स्टूडेंट एक लाइव के लिए क्लास लेगा एक लैपटॉप में और डाउनलोड किसी और को दे देगा तो हम लोगों को भी तो अपना थोड़ा सा बिज़नेस को संभाल के रखना है ना जो करना होगा एक ही में करना पड़ेगा ऑल राइट right. और चेंज हो जाएगा तो फिर पूरा चेंज हो जाएगा आपका वहाँ से सारा डिटेल हट जाएगा और चेंज ऐसे करते नहीं हैं ऑल right. इसके अलावा देखिए व्हाट्सएप में टेलीग्राम में लाइव चैट में कहीं ना कहीं हम लोग वन वे कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं आपने लिखा मैं प्रोसेस किया समझा और आपको बताया मतलब आप आप मुझसे क्या कर रहे हैं कि टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ऑल ऑल राइट बट कई बार होती है बहुत सारी क्वेरीज जब तक ऑडियो से बातचीत ना हो मुँह जवानी फेस टू फेस बात ना हो तब तक सॉल्व नहीं होती कोरोना काल चल रहा है आई डोंट एडवाइज़ एनी स्टूडेंट टू कम हियर यूजअली अनलेस इट्स वेरी अर्जेंट कोलकाता के हैं तो तो भी मना करता हूँ और अभी तो लाइव ऑनलाइन हो रही है तो बाहर से भी आप लोग पढ़ रहे कैलकटा के सो so, इसलिए आपके लिए एक और साधन है कि आप ऑनलाइन मीटिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ऑनलाइन मीटिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं वन टू वन हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे और उसमें आपकी क्वेरीज़ या कोई भी गाइडेंस आपको किसी भी तरीके का चाहिए वो आपके साथ डील करेंगे ये ऑनलाइन मीटिंग वगैरह बुक कैसे करना है इसकी डिटेल्स मैं आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा ठीक है एक हमारा यू होता है उसमें क्लिक करने से ऑनलाइन मीटिंग बुक हो सकती है आप लोग सब कोई अगर चाहो तो फर्स्ट uh, डे कभी एक बार बुक करके देख लेना और वैसे आप लोगों के साथ हम लोग एक ऐसा कुछ करेंगे कि वीकली हम लोग इस बैच में वीकली या फिर बाई वीकली वी विल अरेंज वन फेस टू फेस गूगल मीट वीकली वंस बिकॉज वी आर डूइंग लाइफ तो बहुत बार होता है ना कि सिर्फ आपको मैं चैट में देख रहा हूँ और आपके चेहरे तो नहीं दिख रहे तो वीकली वंस वी विल ट्राई टू अरेंज गूगल मीट विद द बैच वी विल अरेंज गूगल मीट विद द बैच एक डे फिक्स कर लेंगे जिससे हम लोग दस मिनट क्लास हुआ तो जल्दी ख़त्म करके दस मिनट ऐसे ही हाई हेलो करके निकल जाएंगे ठीक है so सो इससे भी थोड़ा सा हम लोगों के बीच में कनेक्शन अच्छा बनेगा सो so ये हुआ एकेडमिक क्वेरीज़ का बात आई होप आप सारा चीज़ नोट करते जा रहे हैं जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ओके okay. नेक्स्ट बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपके मन में कुछ क्वेरीज आ रही है बट आप लिख नहीं पाए चैट में क्योंकि आपको लग रहा था कि एक फ्लो चल रहा है ब्रेक नहीं करते हैं ऐसा होता है बहुत बार स्टूडेंट्स कुछ भी क्वेरी कभी भी जो आता है जैसे पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी मन में आया वो टाइप कर देते हैं बहुत बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं टाइपिंग में तो अभी चल रहा कुछ है और कोई भी बात लेके टाइप कर देंगे जैसे अचानक पढ़ा रहो पढ़ा रो पढ़ा रहा हूँ वो पूछ लेगा सर क्लास कब खत्म होगा तो कृपया अननेसेसरी क्वेरीज को अवॉइड करें और क्वेरीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल भी करें इन द सेंस कि क्वेरीज सेंसिबल हो प्रोफेशनल बनने जा रहे हो हर कुछ नहीं पूछ सकते हो इस चीज़ का गरिमा बनाए रखें बट आई विल ऑलवेज से नेवर लेट योर क्वेरी गो जस्ट लाइक दैट नेवर लेट योर क्वेरी रिमेन अन हर क्वेरी को रिजोल्व करने का आपका पूरा अधिकार है इसलिए मेरा एक मानना है स्पेशली उन बच्चों के लिए ये गाइडेंस है जो हमारी क्लास लाइव में नहीं करके प्योरली डाउनलोड मोड में करेंगे तो कुछ भी क्वेरीज तो आ ही सकता है और वो वो सही है कि गलत है वो फैसला मत करिए आपकी मैं पूछूं नहीं पूछूं कौन क्या सोचेगा वो छोड़ दीजिए जितना आप इंक्विजिटिव होंगे जितना क्यूरियोसिटी आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका लर्निंग एनहेंस होगा द मोर क्यूरियस यू आर द मोर यू लर्न तो क्या करना है आपको कॉपी है ना आपका कॉपी कॉपी के बैक पेज में लास्ट पेज में लास्ट टू पेजेस ऑफ कॉपी आप यूज़ करिए सिर्फ क्वेरीज़ के लिए अपनी जो कॉपी आप बना रखे हो एक्सरसाइज कॉपी ओनली फॉर क्वेरीज यूज़ करिए उसमें आप जब भी क्वेरी आए कोई मन में तो आप रिलेटेड क्वेरी नंबर वन एक सीरियल नंबर बना लें और फिर उस क्वेरी का कोई रेफरेंस लिख लें जैसे क्वेरी का सीरियल हो गया क्वेरी का रेफरेंस हो गया आप चाहो तो वैसा कॉलम्स बना के अभी से रख सकते हो अपने कॉपी के बैक बैक पेज में रेफरेंस मतलब कोई क्वेश्चन नंबर है अगर कोई पेज नंबर है कोई बुक का पेज नंबर है क्वेश्चन नंबर है कुछ भी आपको रेफरेंस लिख लेना चाहिए कोई चैप्टर नेम है चैप्टर नेम है या फिर कोई हो सकता है जनरल क्वेरी है हो सकता है चैप्टर नेम नहीं है वो जनरल कोई सब्जेक्ट रिलेटेड ओवरऑल क्वेरी है और क्वेरी क्या है वो छोटा सा अगर लिख के रखेंगे तो क्या है कि वो रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ वो आपको पता चल जाएगा और उसका सॉल्यूशन क्या है वो मेरे से पूछ सकते हैं आप दोस्तों से पूछ सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो बच्चे लाइव में क्लास करेंगे उनको तो लाइव चैट में भी साधन मिला संग संग हो जाएगा सेम डे ही हो जाएगा और सेकेंड नंबर टेलीग्राम ग्रुप में आप दोस्तों से बात कर सकते हैं ते थर्ड नंबर व्हाट्सएप में सर से पूछ सकते हैं अगर आपको लगा कि थोड़ा सा वन टू तो वन हो तो ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं जो वीकली हम लोग गूगल मीट वगैरह करेंगे विद द बैच उसमें कर सकते हैं बट रिजॉल्व कर लीजिए वीकली वंस ये हम लोग सिर्फ लाइव बैच के लिए करेंगे ये हम लोग डाउनलोड वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं करेंगे लाइव बैच को दो एक्स्ट्रा साधन मिल गया लाइव चैट भी बात कर सकते हैं वो और बाकी सबको इनके पास तीन ऑप्शन है टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप या फिर ऑनलाइन मीटिंग ऑल right. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ उसका मैंने नाम दिया है लेट्स ब्रेक द मिथ एस से जुड़ा हुआ जितना भी मिथ है मतलब ऐसे सवाल जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखे हैं उनका जवाब खोज लेते हैं लेट्स ब्रेक द मिथ मिथ मतलब भ्रम बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब हमें जब नहीं पता होता है तो हम उसे भ्रम कहते हैं कन्फ्यूजन कहते हैं तो लेट्स ब्रेक इट अस फाइंड द आंसर्स टू दोस एंड आई थिंक ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज अगेन इफ़ समबडी आस अबाउट इट कोई बाद में आपसे कोई सवाल पूछा और आप भी उसका जवाब नहीं दे पाए तो फिर वो मिथ वापस से मिथ बन जाएगा सबसे पहला मिथ है बहुत सारे बच्चों के मन में बैठा हुआ है कि सर क्या ये सब्जेक्ट थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है आप लोगों के पास कोई जवाब है तो आप मुझे टाइप करके भेज सकते हैं आपके आप, आपके मन में इस सवाल का क्या जवाब है और ये सवाल 100% परसेंट आप लोग के मन में बैठा ही दिया गया होगा कि एक बार पता कर लेना भाई ये क्या चल रहा है एस सब्जेक्ट को लेकर यह थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है आप लोगों ने क्या सुना हुआ है थोड़ा टाइप कर दीजिए जिससे कि मैं भी और क्लैरिफाई कर दूँ कि एक्चुअली ये क्या है इज़ एस सी एम पी थ्योरी और प्रैक्टिकल वॉट इज़ योर आंसर टू दिस क्वेश्चन मैत्री ने बोला है मिक्स्ड है मिक्स्ड है तो प्रोपोर्शन क्या है कितना परसेंट थ्योरी है कितना परसेंट प्रैक्टिकल है ज़्यादा थ्योरी है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है मुस्कान भी बोल रही कॉम्बिनेशन है अगर मिक्स या कॉम्बिनेशन लग रहा है तो कितना परसेंट थ्योरी है कितना परसेंट प्रैक्टिकल है कुछ आइडिया है आपके पास मतलब मेजॉरिटी क्या है थ्योरी है कि मेजॉरिटी प्रैक्टिकल है आपका परसेप्शन क्या बोल रहा है या आपकी जो आज तक की जानकारी है वो क्या बोल रही है वैभव रेड्डी इज सेइंग प्रैक्टिकल भगत सिंह फिफ्टी फिफ्टी मैत्री सिंह कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड रूबिन इज सेंग मोर थ्योरी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अविनाश इज सिंग 40 60 मतलब 40 थ्योरी 60 प्रैक्टिकल बोल रहे अविनाश गुड चलिए ऐसे बातचीत करेंगे ना कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होता रहेगा तो लाइव क्लास का स्वाद आएगा आपको वरना क्या होगा ना कि लगेगा रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं 50 50 इनक्लाइन टुवर्ड्स प्रैक्टिकल में भी थ्योरी प्लस सम न्यूमेरिकल्स इक्वल टू प्रैक्टिकल ओके फिफ्टी फिफ्टी बोल रहे हैं चलिए तो सही है मिथ है मिथ को ब्रेक करते हैं लेट्स ब्रेक द मिथ लेट्स ब्रेक द मिथ सही में आप लोग के साथ ये सवाल उठाकर मेरा फ़ायदा हो गया ठीक है सो so, पहला चीज़ मैं ये बोलूं कि इसका जवाब है कि ये एनालिटिकल है ये तो थ्योरी है ना प्रैक्टिकल है इट्स नाउ एनालिटिकल एनालिटिकल मतलब ऐसा पढ़ाई जिसमें आपको कुछ चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा उसको समझना भी पड़ेगा और फिर बुद्धि लगा के उसका आंसर्स खोजना पड़ेगा डायरेक्टली एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसा हो सकता है हाँ रिपीट क्वेश्चंस भी आएंगे एग्ज़ाम में बट नए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें आपको अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा सो इट्स एनालिटिकल एनालिटिकल मतलब क्या होता है कि उसके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है ठीक है थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है जिसमें थ्योरी का वेटेज ज़्यादा है अगर मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ तो इसमें थ्योरी साठ परसेंट है प्रैक्टिकल चालीस परसेंट है सिक्सटी परसेंट से भी ज़्यादा थ्योरी हो सकता है कम नहीं है प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम है कि प्रैक्टिकल में भी जो प्रैक्टिकल पार्ट है यानी कि कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत आसान होता है हर सम में मतलब इस तरह से अपने सीखेंगे कि आपको मेजॉरिटी आसान ही लगेगा बट क्या होगा एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन आएंगे जैसे कि अगर वो टेन मार्क का क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल तो कैलकुलेशन के लिए चार ही मार्क अलॉटेड है बाकी छः मार्क अलॉटेड है कि जो कैलकुलेशन किया उससे क्या समझ में आए इंटरप्रेट करो वो कैलकुलेशन का कुछ एनालिसिस करो कि इस कैलकुलेशन से क्या समझ में आया। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैं रिलेट करके बताऊं, एफएम आपने पढ़ा है आपने बैलेंस शीट बनाना सीखा है अकाउंट्स में मान लीजिए आपको दो साल का बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला तो बैलेंस शीट बनाना इज़ अ कैलकुलेशन नाउ उस बैलेंस शीट से फिर आपने एफएम में रेशियो एनालिसिस किया है तो रेशियोज़ निकालना इज़ कैलकुलेशन बट हाउ ईच रेशियो इज डिपेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में यदि कॉमेंट्स लिखना पड़े तो दैट इज़ एनालिसिस विच मेक्स इट थ्योरीटिकल ठीक है सो जो थ्योरी है उसमें आई विल से कुछ तो स्टैंडर्ड थ्योरी है बट उस स्टैंडर्ड थ्योरी का मात्रा क्वान्टिटी बहुत कम है आपका जो मेजोरिटी थ्योरी है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है एप्लीकेशन ओरिएंटेड एज इन कि क्वेश्चन में जो सिनेरियो लिखा हुआ है उस सिनेरियो के हिसाब से आपको उसका एक्सप्लेनेशन बनाना पड़ेगा बाय कीपिंग इन माइंड द मॉडल्स दैट यू हैव लर्न बाय कीपिंग इन माइंड द टेक्निक्स दैट यू लर्न विथ मी सो प्रैक्टिकल का कैलकुलेशन का वेटेज कम है थ्योरी ही ज़्यादा है सिलेबस बहुत बार इसको लोग रीड कर रहे हैं कि सर सीएमपी पूरा थ्योरी हो गया बहुत लोग ऐसे ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी में ऐसा चलता रहता है कि सर ये पूरा सिलेबस थ्योरी है क्या थ्योरी का वेटेज ज़्यादा है इसलिए हम लोग जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे शुरुआत के समय में आपको थोड़ा हेवी हेवी-हेवी थ्योरी लगेगा बट है बड़ा इंटरेस्टिंग बिकॉज़ ये एनालिटिकल है ये कम्प्लीट थ्योरी कोई रट के बस आपको आंसर लिखना है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है आपको हर एक चीज़ को सिनेरियो में जाके अप्लाई करना और जो मॉडल्स हैं जो थ्योरीज है वो भी बड़े बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है कुछ कुछ को याद करना पड़ता है कोई उपाय नहीं है बट एट द सेम टाइम उस कुछ कुछ को आपको अप्लाई भी करना पड़ता है ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया कि इज एस सी एम पी थ्योरी और प्रैक्टिकल तो इसका आंसर है एनालिटिकल तो एनालिटिकल क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करते हैं नेक्स्ट इसमें सवाल आता है हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन सो हाउ टू हैंडल में कुछ एक बेसिक मैं बता दूँ आपको फर्स्ट स्टेप होता है कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन वेल क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता बहुत बार प्रॉब्लम क्या होता है एनालिटिकल क्वेश्चन का ना क्वेश्चन का लेंथ साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्वेश्चन में भी लेंदी थोड़ा सा लेंथ हो ज़्यादा होता है क्वेश्चन में भी लेंदी डरा नहीं रहे फैक्ट्स बता रहे थोड़ा प्रिपरेशन रखना पड़ेगा माइंड में क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं तो पेशेंस नहीं होता है अड़बड़ में पढ़ते हैं अरे क्या दिया हुआ क्या दिया हुआ क्या दिया हुआ यार क्या पूछा क्या पूछा ऐसा नहीं थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा पेशेंट रीडिंग चाहिए अंडरस्टैंड क्वेश्चन वेल सेकेंड उस क्वेश्चन में अगर कुछ भी नंबर्स दिए हुए प्रैक्टिकल के लिए तो उसका डेटा समरी आपको बनाना आना चाहिए डेटा समरी बनाना आना चाहिए कैसे करते हैं वो देखेंगे आप जब मेरे साथ कर, सम्स वगैरह करेंगे तो कर पाएंगे वो डेटा समरी आपका वो ठीक से बनता है अगर आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो आपका सम प्रैक्टिकली तो क्रैक हो ही जाएगा थर्ड नंबर स्टेप आता है कि आपको जितना भी मॉडल्स या फिर थियोरीज नो योर मॉडल्स या फिर जो थ्योरिटिकल कंसेप्ट है उसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कंसेप्ट्स वेल वेल मतलब बोलना चाह रहे हैं आपको मेमोराइज़ रखना पड़ता है रिमेंबर करना पड़ेगा मतलब उसमें यू कैन नॉट क्रिएट कैन नॉट क्रिएट रिमेंबर आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते आपको अपने आप मन से खाली इलेबोरेट करने मिलेगा लेकिन क्रिएट करने नहीं मिलेगा मॉडल्स को आप अपना मन से कैसे चेंज कर सकते हो जो आपको सिखाया गया वही आपको रखना पड़ेगा एंड फोर्थ इज़ टू अप्लाई द मॉडल

मॉडल्स वगैरह आप बहुत पढ़े हैं अपने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में भी तो वो आप पढ़ लेते हो बहुत सारा आप ऑडिट में भी पढ़ते हो वो सब ठीक है आप मैनेज कर लेते हो क्वेश्चन भी रीडिंग कर लेते हो डेटा समरी बना लेते हो ये भी कर लेते हो ये एप्लीकेशन में फंस जाते हैं हम लोग तो हम लोगों का जो फोकस ऑफ लर्निंग होगा ना वो इसी पे होगा मतलब आपको मेरे साथ सीखना क्या है फोकस इसी पे करना है कि सर कैसे अप्लाई करते हैं देखिए मॉडल तो हम लोग याद कर लेंगे सर आपके बिना भी अलग से याद कर लेंगे बट वो मॉडल को यूज़ कैसे करके आंसर कैसे इलेबोरेट करें हम लोग को वो सीखना है ओके आपका जैसे ही देखेंगे आप कोई क्वेश्चन आएगा तो आप देखना कि क्वेश्चन में कैसे वो जो थ्योरी है उसको घुसा घुसा के लिखा जा रहा है ओके सो इट्स जस्ट लाइक यू नो मान लीजिए आपको एक इंजीनियर बनना है फॉर एग्जाम्पल Uh, मैं थोड़ा सा और कॉलोकियल लैंग्वेज में बोलूँ कोई मिस्त्री बनना है मिस्त्री स्किल्ड मिस्त्री होता है ना तो मिस्त्री को हम लोग कैसे सिखाएंगे जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन बन रहे हैं तो मैं आपको इलेक्ट्रिक वायर कैसे कट करना है वो सिखा दूंगा कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव वायर है उसको ज्वाइन कैसे करना है वो सिखा दूंगा ठीक है स्विच बोर्ड कैसे तैयार करते हैं ये सब बेसिक एम क्या होता है एम कैसे लगता है ये सब छोटे छोटे मॉड्यूल्स है, होते हैं वो आपको सिखा दूंगा अब जब आप कभी कोई क्लाइंट का काम लेने जाओगे तो वो तो एक पूरा एक नया ही काम होगा ना कि उसका घर का काम है या ऑफिस का काम है फैक्ट्री का काम है उसको कहाँ पे स्विच चाहिए कहाँ पे एम चाहिए कहाँ से कहाँ लाइन ट्रांसफ़र होगा तो आपको जो सीखने को मिला है उसको अप्लाई करना पड़ेगा ना आप थोड़ी कोई बोल सकते हो अरे ये सब तो मेरा किया हुआ नहीं है ऐसे तो नहीं होगा जो सीखने को मिला है वो अप्लाई करना पड़ेगा राइट ऐसे ही हर हर सब्जेक्ट में होता है चाहे वो टैक्स में हो चाहे ऑडिट में हो आप ऑडिट के जो प्रोसीजर्स सीखते हो आप जब सी एफ में जाकर ऑडिट करते हो अपने क्लाइंट का तो जो सीखा उसको अप्लाई करते हैं ना एप्लीकेशन करते हैं ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है बट क्या होता है कि सिंस ये सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आपको मिल रहा होता है उसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं हो रहा होता तो इंस्टीट्यूट ने सब्जेक्ट में ही इतने क्वेश्चन भर दिए अलग अलग तरह के कि उसमें ही अप्लाई करना सीख जाओ कि रियल वर्ल्ड में भी मौका लगा तो कभी अप्लाई करिएगा तो आंसर्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं बहुत बार आंसर्स में पैरिटी नहीं दिख रहा होता है कि हर सम का आंसर एक जैसा है वो सिनेरियो चेंज हो गया तो एप्लीकेशन चेंज हो गया कंसेप्ट है बट आंसर सिनेरियो स्पेसिफिक बदलता है सो so, वो डायनामिज्म को आपको अपने माइंड में पहले से बैठा के रखना है कि ऐसा ऐसा होने वाला है सर ने बताया है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दोस डायनामिज़्म डोंट ट्राई टू जज द क्वेश्चन और डोंट ट्राई टू जज द सब्जेक्ट ट्राई टू लर्न द सब्जेक्ट डोंट जज ओके डोंट जज ओके जज नहीं बनो कोशिश करके लर्न करो यू शुड लर्न द सब्जेक्ट डोंट जज बट लर्न द सब्जेक्ट ओके okay? कि क्या आ गया ये कैसे होगा वो कैसे होगा वो सब नहीं बस ये भी तरीका है अच्छा ऐसे भी हो सकता है ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको सीखने का हम लोग कोशिश करेंगे आई होप द आइडिया इज क्लियर ये सब छोटी छोटी बातें ओरिएंटेशन में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना तो ये आगे सब्जेक्ट को देखने का नजरिया को बदलता है एनालिटिकल होने के लिए एक परव्यू चाहिए होता है परव्यू मतलब किस नज़र से पर किस परसेप्शन से आप क्वेश्चन को देखेंगे ओके परसेप्शन रिक्वायर्ड इज ऑफ ओनर ऑफ द कंपनी परसेप्शन ऑफ ओनर ऑफ द कंपनी और अ कंसल्टेंट हु इज लाइक एन ओनर ऑफ द कंपनी एक कंसल्टेंट है जो ओनर को एडवाइस देगा कि ऐसे ऐसे अपना कंपनी चलाओ और या फिर कंपनी के आप ओनर हो कि आपको सोचना है कि कैसे कैसे मेरे को कंपनी को चलाना है नॉट लाइक एन एम्प्लॉई प्लीज डू नॉट बिकम एन एम्प्लॉई डू नॉट बिकम एन कस्टमर नॉट लाइक एन एम्प्लॉई और अ कस्टमर और अ शेयर होल्डर ओके यू हैव टू बिकम ओनर और कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू अप्लाई अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू अप्लाई तो पूरा सब्जेक्ट में आपको मालिक बना बना के अपने आप को चलाना पड़ेगा ना कि वो मालिक का एक स्टाफ या एम्प्लॉई बनकर इट सो so ये पहला मिथ मैंने ब्रेक किया कि एस थ्योरी और प्रैक्टिकल है तो कितना थ्योरी है कितना प्रैक्टिकल है एनालिटिकल है कैसे हैंडल करना है और क्या परसेप्शन से पढ़ाई करना है सेकेंड बात सेकेंड सवाल आपके सामने रखते हैं सेकेंड सवाल है कि सर क्या ओल्ड सिलेबस अभी भी रेलिवेंट है इज़ ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन स्टिल रेलिवेंट इज़ ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन स्टिल रेलिवेंट बहुत बार ये भी आपको दोस्त लोगों से सुनने को मिलेगा इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन है इसमें वो बताना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट ने एक जगह अपने यहाँ पर बताया है अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे फाइनल कोर्स स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फ्रीक्वेंटली आस्ड क्वेश्चंस करके एक सेक्शन है यहाँ पे एक स्टूडेंट ने पूछा था तो इंस्टीट्यूट ने बताया व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन सिलेबस यू मे फाइंड अराउंड 65 परसेंट न्यू एंड 35 परसेंट ओल्ड ठीक है तो अब इस बात को लेके हम कितना डटे रहें इस बात को लेके हम कितना डटे रहें ओके दिस इज़ द क्वेश्चन सो इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ कि एज पर फैक्ट्स गिवन बाई आई सी आई एज पर फैक्ट्स गिवन बाई आई सी आई सिक्सटी फाइव परसेंट इज फ्रॉम न्यू सिलेबस एंड थर्टी फाइव परसेंट कैन स्टिल बी फ्राम ओल्ड सिलेबस सो पहला चीज ये इंस्टीट्यूट बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस डज नॉट मीन कि आप ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल को उठाकर प्रैक्टिस करेंगे दिस डज नॉट मीन दिस डज नॉट मीन दैट यू विल सॉल्व दैट यू विल सॉल्व ओल्ड सिलेबस प्रैक्टिस मैनुअल ओके सो इट्स जस्ट लाइक आई विल से दैट थर्टी फाइव परसेंट थर्टी फाइव परसेंट ऑफ जो कॉन्सेप्ट हैं आपके सिलेबस के वो ओल्ड सिलेबस से लिंक होते हैं तो कुछ उसके क्वेश्चंस ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस के मटेरियल में डाल दिया है थोड़ा एडॉप्ट करके या थोड़ा सा सेम भी रखकर ठीक है ओल्ड सिलेबस क्वेश्चंस आर ऑलरेडी इंक्लूडेड आर रेलिवेंट क्वेश्चन जो भी हो सकता है ऑफ़ रेलिवेंट चैप्टर्स जो भी होना चाहिए आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन आवर इंस्टीट्यूट करिकुलम आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन आई सी आई न्यू मैट जो भी न्यू सिलेबस का मैट है उसमें ऑलरेडी जो जो होना चाहिए वो है ओके okay? कुछ अगर एक्स्ट्रा मुझे लगा लिंकिंग पार्ट सम ऑफ द लिंकिंग पार्ट सम ऑफ द लिंक्ड क्वेश्चंस विच आर नॉट देयर इन आई सी न्यू सिलेबस मैट बट वे आर देयर इन ओल्ड सिलेबस मैट वो हमने वर्कबुक में उठा लिया आप वर्कबुक से कर लेंगे और कुछ कुछ हमें जो जरूरत लगा प्लस सर्टेन एग्जांपल्स हमने पिकअप किया है इन योर सेवियर रेगुलर बुक सेवियर रेगुलर बुक जो भी हम आपको देंगे उसमें भी पिकअप किया है तो आपको कहीं नहीं जाना है और अगर ओल्ड सिलेबस का कुछ है तो सर करा रहे हैं आपको अलग से एफर्ट नहीं डालना है कि ओल्ड सिलेबस का मैं कुछ करूँगा तो जो मैं आपको दे रहा हूँ वो परफेक्ट है उसमें जो मुझे कराना है ओल्ड का मैं आपको अपने आप करा के निकाल दूँगा आपको अलग से खुद से कहीं कुछ जाने का ज़रूरत नहीं है ऐसे न्यू सिलेबस में भी वो है जहाँ पे है अब वो ओल्ड है कि न्यू आपको परवाह क्यों करना आपको बस यही देखना है कि जो है वो करना है आपके लिए सिंपल है जो है वो करना है आपको यह परवाह नहीं करना कि ओल्ड है कि न्यू है क्लियर है थर्ड नंबर सो इसका आउटकम क्या हुआ डिस्कशन का कि अल्टीमेटली जस्ट फॉलो एस जे सी मटीरियल और एट द सेम टाइम आई से न्यू सिलेबस मटीरियल यू डोंट हैव टू गो एनी वेयर एल्स आपको और कुछ नहीं करना है वैसे आई न्यू सिलेबस का जो भी कॉन्टेंट है वो जैसी मटेरियल में है बट जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने बोल दिया कि बस आपको उसी पे स्ट्रिक्ड रहना है ओल्ड सिलेबस का कुछ भी डाउनलोड डाउनलोड करके प्रैक्टिस करने का टेंशन नहीं लेना है जो भी रेलिवेंट है वो हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है अलग से कुछ नहीं करना है तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू स्कोर इन एस ठीक है बहुत बच्चों के बहुत बच्चों के माइंड में ये बैठ गया है कि इस सब्जेक्ट में स्कोर नहीं हो पाता है सो so, एक क्वेश्चन आया दर्शन का कि सर वर्कबुक में पूरा सॉल्यूशन है यस yes, वर्कबुक एक सॉल्व बुक है क्वेश्चन भी है तो आंसर भी है हाउ टू स्कोर इन एस बहुत बच्चों के मन में बैठ गया है कि सर एस में स्कोर नहीं आता इसमें बस चालीस उठा ले तो काम हो जाएगा तो इसमें स्कोर कैसे आएगा उसके ऊपर बातचीत करते हैं सी इसके पहले तक क्या था कि मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ न्यू सिलेबस आया था मई अट्ठारह से मई अट्ठारह से नवंबर उन्नीस तक हमें लगा कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं बस नॉर्मल आप अपना आंसर लिखते चलो इंस्टीट्यूट मार्क्स देता जाएगा ठीक है नवंबर बीस का एक पेपर हुआ जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर्स या फिर इंस्टीट्यूट मटेरियल्स ही रिपीट हुए थे आई विल से कि छः में से क्वेश्चन में से साढ़े पाँच क्वेश्चन फाइव पॉइंट फाइव क्वेश्चन रिपीट हुए थे सिर्फ आधा क्वेश्चन एक आपका बाहर से आ गया था तो इस एग्जाम में बहुत लोग फेल हुए बहुत लोग भारी मात्रा में लोग फेल हो गए इवन टॉप रैंकर्स का भी मार्क्स सिक्सटीज में ही आया जबकि बाकी सब्जेक्ट में एटीज में आ रहा था किसी किसी का सिक्सटीज भी नहीं आया टॉप रैंकर्स का भी तो भाई हमने खोजबीन शुरू किया स्टूडेंट्स कितने रिक्वेस्ट आए सर कैसे इम्प्रूव करें क्या करें तो नवंबर ट्वेंटी का जो पेपर था वो वन ऑफ मोस्ट स्टैंडर्ड पेपर था इंस्टीट्यूट का भले ही रिपीट क्वेश्चंस था क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन थे वो सारे नए पैटर्न के मैक्सिमम क्वेश्चन थे एक्सेप्ट वो आधा क्वेश्चन जो मैं आपको बोला जो बाहर से भी था और अलग सा ईजी अलग टाइप का क्वेश्चन था बट बाकी सब क्वेश्चन जो था वो सारा का सारा न्यू सिलेबस पैटर्न था और एक नवंबर 19 का क्वेश्चन जो था वो भी आपका वो भी आपका एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर था तो ये दो टर्म पूरा फ्लेवर ही एग्ज़ाम का चेंज कर दिया इसके बाद ऑफकोर्स जैन 21 का भी एग्ज़ाम हुआ नवंबर 20 के बाद तो उसमें भी नवंबर 20 नवंबर 19 जैसा रिफ़्लेक्शन हम लोग को देखने को मिला बट ये एक बहुत ही क्रूशियल पेपर था जिसमें बहुत बच्चे स्कोर नहीं कर पाए ठीक है तो स्कोर नहीं कर पाए उसका कारण क्या उसका कारण जब हमने खोजा कैसे खोजा बहुत सारे बच्चों के आंसर स्क्रिप्ट्स मंगाए और सबको रिव्यू किया कम से कम पंद्रह बीस आंसर स्क्रिप्ट को रिव्यू किया कि किस कुछ क्वेश्चन में मार्क्स आया किसका किस क्वेश्चन किस में मार्क्स नहीं आया सबको समराइज़ करके एक परव्यू हमारा तैयार हुआ फिर हमारे पास इसी टर्म के बारे में जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमारे पास एक स्टूडेंट ने सेवेंटी स्कोर किया था हाईएस्ट तभी हम अपने यूट्यूब चैनल पे बता रहे थे स्टूडेंट को तो एक यूट्यूबर ने हमें बताया यूट्यूब के स्टूडेंट ने बेसिकली हमें बताया कि सर किसी का एटी भी आया है विशाखापट्टनम के एक स्टूडेंट है, उन्होंने हमें उनसे कनेक्ट कराया और पता चला कि वो सेल्फ़ स्टडी से 83 ले आए और बाकी लोग ट्यूशन ले लेकर भी 70 ला रहे हैं ये क्या चक्कर है तो फिर जब खोजबीन और जारी रखा कि क्या कारण है तो पता चलता है कि देखिए क्या चीज़ से इंस्टीट्यूट मार्क्स दे रहा है उस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ पहला अगर आप प्रैक्टिकल पार्ट कर रहे हो पहला पार्ट अगर प्रैक्टिकल की बात हो रही है तो इंस्टीट्यूट बोलता है आई डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन देर इज नो रिजिडनेस नो रिजिडनेस फॉर प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन को लेके कुछ भी रिजिडनेस नहीं है जैसे भी तुम कर दो ठीक है देर इज नो रिजिडनेस ऑफ प्रेजेंटेशन जस्ट समझ में आना चाहिए ब्रेकअप इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब ब्रेकअप मतलब थोड़ा कैलकुलेशन को तोड़ तोड़ के करो ब्रेकअप ऑफ़ कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड कैलकुलेशन का वर्किंग्स दिखाओ भले ही हो सकता है कि स्टेटमेंट में वर्किंग घुस गया अलग बात है बट वर्किंग्स रहना चाहिए मतलब सीधा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते कंट्रीब्यूशन निकाल कर प्रॉफिट निकाला जाता है तो कंट्रीब्यूशन निकालना चाहिए क्योंकि बीच में स्टेप मार्किंग आपको मिलेगा फॉर स्टेप मार्किंग अगर आपका प्रॉफिट रॉन्ग हो गया अगर कॉन्ट्रीब्यूशन राइट हो गया तो कॉन्ट्रीब्यूशन का आपको मार्क्स मिल जाएगा समझ में जा आ रहा है तो अगर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने की बात है तो पहले कैलकुलेट करके फिर प्रॉफिट निकालिए वरना सेलिंग प्राइस का मार्क्स नहीं मिलेगा डायरेक्ट सीधा प्रॉफिट निकालेंगे तो स्टेप मार्किंग चाहिए तो ब्रेकअप ऑफ कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड आप जितना ज्यादा ब्रेक करेंगे उतना ज्यादा स्टेप मार्किंग अगर एलोटेड होगा तो मिलेगा और बस मेरा फाइनल आंसर्स मैच होना चाहिए आंसर्स मस्ट मैच आंसर्स मस्ट मैच यही क्राइटेरिया है कैसे भी बेटा तुम आंसर निकाल दो आपको आंसर मिलते ही मैं मन नंबर दे दूंगा जैसे मैं अगर एग्ज़ामिनर हूँ तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है उसमें कुछ फाइनल आंसर्स हैं और बीच बीच में कहीं कहीं मेरे ब्रेकडप ब्रेकअप किए हुए तो अगर आप जैसे भी प्रेजेंट किए वो ब्रेकअप मुझे कहीं पे भी दिख गया और आंसर लास्ट में मैच कर गया तो मैं आपको पूरे नंबर दूंगा हाँ इसमें एक चीज़ है कि अगर कोई अजम्पन्स अगर आपने कुछ लिया है ठीक है कुछ भी एजम्पन्स वो मस्ट बी मैंशनड है क्योंकि उस एजम्पन का भी स्टेप मार्किंग होता है अजम्पन्स का भी स्टेप मार्किंग होता है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अजम्पन के लिए चला चला के स्टेप मार्किंग होता है तो वो स्टेप मार्किंग आपको लिखना पड़ेगा और हमारे यहाँ पे इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के साथ आपको पता है कि थ्योरी अटैच्ड रहेगा एनालिसिस या एप्लीकेशन आपको अलग से मिलेगा तो वो एनालिसिस और एप्लीकेशन में हम लोग उसको थ्योरी बोल देते हैं एक्चुअली आप समझ लीजिए वो थ्योरी है वो थ्योरी में कुछ आपके एनालिसिस या एप्लीकेशन रिलेटेड एनालिसिस या एप्लीकेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो उसमें प्रॉब्लम देख लेना इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट थोड़ा सा रिजिड है यहाँ पर हाईली रिजिड है हाईली रिजिड नहीं बोलेंगे बस रिजिड है कि वो आपका मन धड़न एनालिसिस मन धड़न एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो बोलते हैं हमारे पैटर्न पे आपको बताना पड़ेगा हम लोग नॉर्मली उल्टा चलते हैं ना एज अ स्टूडेंट हम लोग उल्टा चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल में थोड़ा सा इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया मीट करना चाहते हैं थ्योरी में हम बोलते हैं हमें फ्लेक्सिबल रहने तो हम अपने मन से लिख देंगे बट पॉइंट है कि वो थ्योरी में रिजिड है वो आपका पॉइंट्स मैचिंग करेंगे दे विल मैच द पॉइंट्स पॉइंट्स मस्ट मैच पॉइंट्स मस्ट मैच जैसे मैं अगर एग्जामिनर हूँ तो मेरे पास एक रिकमेंडेड आंसर आया हुआ है उस रिकमेंडेड आंसर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं ठीक है वो पॉइंट्स आपका आंसर में मिलना चाहिए भले आगे हो पीछे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉइंट्स मिलना चाहिए एक्सप्लेनेशन आपके हाथ में एक्सप्लेनेशन कैन बी कैन बी इन योर ओन वर्ड्स आप पॉइंट्स को इलेबोरेट करते हो तो आप अपनी भाषा में कर लो मैंने तो यहाँ तक देखा कि एग्जामिनर्स भी चेक करते हुए शायद फिडअप हो जाते होंगे कि वो लोग मान लीजिए कि आप पॉइंट्स सही लिखे और एक्सप्लेनेशन कुछ भी लिख दिया ना तो भी मार्क्स दे दिया वो पढ़ने ही नहीं गया शायद वो पॉइंट्स देख के मार्क्स दे दिया अब अगेन पॉइंट भी लिखते हो ना तो पॉइंट ऐसे नहीं कि बस कंटिन्यूस पैराग्राफ एक लंबा पैराग्राफ में आप लिखते जा रहे हो सिंगल पैरा में ऐसा नहीं पॉइंट्स है तो ब्रेक डाउन करते रहो पैरा चेंज करते रहो या फिर वन टू थ्री करके लिखते रहो या बुलेट्स दिखाते रहो या फिर बीच बीच में पैरा में भी कुछ पॉइंट घुस गया तो उसको अंडरलाइन कर दो जिससे कि उस पर नज़र पड़ जाए अगर आप सजेस्टेड आंसर्स इंस्टीट्यूट का देखोगे तो उसमें वो लोग पॉइंट्स जब लिखते हैं ना तो बहुत सारा चीज़ को अंडरलाइन कर देते हैं बोल्ड कर देते हैं बेसिकली तो वो सब बोल्ड अंडरलाइन आपको भी सीखना पड़ेगा हाईलाइट द पॉइंट्स पॉइंट्स मस्ट मैच इसलिए हाईलाइट करके आपको आना चाहिए कि ये मेरा पॉइंट है भैया पॉं� आप इसका मार्क्स जरूर दे दीजिएगा एक्सप्लेनेशन कैन बी इन योर ओन वर्ड्स पॉइंट्स मस्ट मैच ये आपको जो मैं बता दिया राम बाण है ये आपके लिए कि ये आप अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर लेना जिससे आपको बहुत मार्क्स मिलेगा अब ये पॉइंट्स मस्ट मैच बहुत ही क्रिटिकल है तो मेरे को लगता है कि आपको जैसे मैंने बताया प्रैक्टिकल में आपको जैसे बताया ना कि फोकस कहाँ पे करना है एप्लीकेशन में वैसे ही यहाँ पर यह जो पॉइंट्स मस्ट मैच है इस पर मेन फोकस करना है कि ये कैसे मेरा पॉइंट मैच हो जाए इसके लिए ज़रूरत पड़ा तो मेमोराइज़ करो इफ़ रिक्वायर्ड मेमोराइज अब मेमोराइज नहीं होता है तो मल्टीपल रिविजन करना पड़ेगा इफ़ रिक्वायर्ड मेमोराइज और डू मल्टीपल रिविजन्स अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है एक प्रॉब्लम क्या आती है जैसे कि मैंने बताया कि केस सिनेरियोस हर बार अलग हो सकते हैं तो हर जगह अलग तरह से अप्लाई होंगे ये प्रॉब्लम है तो अलग तरह से अप्लाई होंगे तो फिर एक समस्या क्या है कि आपका आंसर अगर इंस्टीट्यूट के रिकमेंडेड आंसर से बहुत अलग हो गया तो मार्क्स नहीं मिलेगा तो वो आपको इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच कराने का तरीका सीखना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट जब अपना एक अलग क्वेश्चन का भी अलग आंसर बना रहा है तो कैसे लिख रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो कॉमन बेस है और वो कॉमन बेस यही है कि आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट का नोट्स आप अपने शब्दों में बनाने इतना ज़्यादा लग जाते हो कि वो अलग आंसर में अलग ही हो जाता है एकदम तो मेरा ये कहना है कि आप मेरे साथ जब पढ़ोगे ना तो आप देखना कि सेम ही चीज़ को लेकर इंस्टीट्यूट जब अलग अलग सीनेरियोज भी बना रहा है तो बहुत सारा जगह सेम चीज़ को किस तरह से लिख रहा है बहुत सारा जगह सेम ही चीज़ को किस तरह से लिख रहा है वो चीज़ पे नज़र रखना और कुछ घटनाएं ऐसी होती है इंस्टीट्यूट कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकालते रह रहा है अभी जिसके बारे में पुराना कोई कॉमन नोट्स है ही नहीं ऐसा भी है तो वो हम लोग के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका ये कॉमन नोट्स बनता है वो कॉमन नोट्स आपको याद रखना है तो मैंने जो अपना पढ़ाने का तरीका बनाया है मैंने जो पूरा सिलेबस को पढ़ाने का एक तरीका जो डिवाइस किया है वो कैसे किया मैं आपको वो समझाता हूँ कि हाउ सर इज़ गोइंग टू टीच यू कि सर सबसे पहले जो भी मॉडल्स और कॉन्सेप्ट स्टैटिक कॉन्सेप्ट स्टैटिक मॉडल हैं वो सब वो तो वर्ल्ड में कोई भी पढ़ रहा है तो सेम ही पढ़ रहा है उसमें कोई चेंजेस नहीं है जैसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स वर्ल्ड में सबको एक ही तरह से पढ़ रहे हैं एसेट्स का मीनिंग वर्ल्ड में सबको एक ही तरह से पढ़ रहे है तो वो सारा आपको पढ़ना है प्लस मैंने क्या किया इंस्टीट्यूट ने क्या किया ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे निकाले जिसके आंसर जब उन्होंने लिखे उसके पीछे के कोई मॉडल और कॉन्सेप्ट से कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है तो हमने वो सारे आंसर्स को एनालाइज करके कुछ कॉमन नोट्स बनाए कॉमन नोट्स बनाए फॉर एप्लीकेशन पर्पस ठीक है कि उस कॉमन नोट्स को अगर आप रेफर करोगे तो आपको ऐसे भी कोई क्वेश्चन को पढ़ने में आसानी होगा जिसका कोई मॉडल और कॉन्सेप्ट से जिसका कोई मॉडल और कॉन्सेप्ट से कनेक्शन नहीं बैठ रहा है ठीक है समझा पाया मैं आपको कॉमन नोट्स फॉर एप्लीकेशन परपज़ज़ मैंने ऐसा बनाया है जो आपको मैं नोट्स में दिखेगा मेरे नोट्स में जगह जगह पर वो एक्चुअली आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से आप अपना कोई ऐसा क्वेश्चन का भी आंसर लिख पाओ जिसका कनेक्शन उन मॉडल और कॉन्सेप्ट से नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ऐसे क्वेश्चन डाले हैं ठीक है सो ये पर्टिकुलर जो नोट्स बना इसके बाद मॉडल्स और कॉन्सेप्ट मिलाकर इसी नोट्स का नाम मैंने रखा सेवियर सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें कॉमन नोट्स फॉर एप्लीकेशन पर्पज़ ही हुआ इसके अलावा कॉन्सेप्ट के साथ साथ हाउ टू अप्लाई कॉन्सेप्ट को लेकर भी कुछ कुछ समरी नोट्स आपको मिलेंगे कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को फिर अप्लाई करना है वो भी आपको मिलेगा प्लस इसका एप्लीकेशन नोट्स uh, कि कैसे हाउ टू अप्लाई विथ हाउ टू अप्लाई का नोट्स भी आपको मिलेगा ये मैंने बनाया है आपके लिए और आपको भी यही सीखना है कि सर जैसे पढ़ाएँ हैं ना अब जैसे सोचो मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो जब तक ये बैच चल रहा है ना जब तक ये बैच चल रहा है टुडे इज़ द स्टार्ट डेट ऑफ द बैच एंड जब भी भी होगा तब तक इंस्टीट्यूट से जो भी कंटेंट आएगा एंड डेट तक मैं इस बैच में आपको करा दूंगा ठीक है बट मेरे बैच के एंड होते ही आपका एग्ज़ाम नहीं है ना हो सकता है आपका एग्ज़ाम और एक साल बाद दो साल बाद ऐसा है तो अब अगर बैच मान लीजिए यहाँ पर एंड हो गया फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कि समझिए बैच एंड हो गया यहाँ पर यहाँ पे जितना भी आई सी आई बेस्ड कॉन्टेंट आएगा आई सी आई का न्यू कॉन्टेंट जो भी आएगा ठीक है विल बी कवर्ड विल बी कवर्ड विद इन दिस बैच फ्रेम जब भी, भी बैच खत्म होगा आप देखोगे उस बैच तक जितना भी कुछ आया सर ने सब करा दिया और कवर कराने का तरीका वही है मॉडल कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन नोट्स में लिखा दूंगा प्लस कॉमन नोट्स भी आपको दे दूंगा जिससे कि आप उस पर्टिकुलर चीज का सम्स भी कर पाओगे अगर कोई नया सम भी आया क्वेश्चन भी आया तो उसमें कुछ नया भी इंस्टीट्यूट ने डाल दिया तो उसका भी कॉमन नोट्स बना के आपको पहले दे दूंगा बट पॉइंट इज आपका एग्ज़ाम अगर यहाँ पर है योर एग्ज़ाम इज हियर एंड योर बैच इज़ गेटिंग ओवर हियर हाउ विल यू कवर अप हियर इसका क्या होगा तो इसके लिए फ्रीक्वेंटली मैं YouTube वीडियोस बनाते रहता हूँ आप उसको फॉलो करेंगे ठीक है दूसरा ऑप्शन है कि सिंस आपका बैच में वैलिडिटी इसलिए एक्सटेंडेड डाला हुआ है तो आई विल ऑल्सो अपलोड इन सॉफ्टवेयर वी विल अपलोड द वीडियोस इन योर सॉफ्टवेयर ऑल्सो इन सॉफ्टवेयर ऑल्सो जिससे कि आप अपना चाहो तो यहाँ पर भी आके देख सकते हो यूट्यूब में क्या खोजने का दिक्कत हो जाता है कभी कभी बट यहाँ पे आपको बिलो द लास्ट क्लास मिलते रहेगा लास्ट क्लास के बाद भी वीडियोस मिलते रहेगा ऐसे हमने पास के बैचेस में किए हैं वैसे यूट्यूब में भी हम लोग प्ले बना देते हैं यूट्यूब वीडियोज़ में प्ले बना देंगे आपके बैच के नाम का भी फ्यूचर में तो वो प्ले को फॉलो कर लीजिए या फिर यहाँ पर अपलोडेड वीडियोज़ इन सॉफ्टवेयर को देख लीजिए और तीसरा तरीका जो सबसे खूबसूरत तरीका हो सकता है वो ये है कि सेल्फ स्टडी कर लीजिए ना अरे अल्टीमेटली दुनिया का हर प्रॉब्लम सर थोड़ी सॉल्व करेंगे आपके साथ सेल्फ so स्टडी कैसे करना है वो तरीका तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ कि मैंने कैसे बुक बनाया वो अगर आप पर्पज़ सीख जाओ वो सिस्टम सीख जाओ तो आप अपना खुद का भी कभी भी पढ़ाई कर सकते हो जो भी एग्ज़ाम के लिए बच्चे तैयार तैयारी करते हैं उनसे मैं यही कहता हूँ कि ऑलवेज मेक अ सिंगल सोर्स ऑफ रेफरेंस ऑलवेज मेक अ सिंगल सोर्स ऑफ रेफरेंस ऑलवेज मेक अ सिंगल सोर्स ऑफ रेफरेंस क्या करना है ऑलवेज मेक अ सिंगल सोर्स ऑफ रेफरेंस क्या करना है एक ही सोर्स पे सब आना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना तो मैंने सेवियर बुक बनाया वो एक सिंगल सोर्स है जिससे आपका पूरा कोर्स मैं करा दूँगा उसमें आई सी आई एम टी पी आर टी पी ऐसे मैट का जो भी कॉन्टेंट है जो मॉडल्स है जो नए क्वेश्चन का भी समरीज है वो सब कुछ इसमें आ जाएगा वैसे ही हो सकता है अभी तक तो सर का पूरा अपडेटेड है अब एग्ज़ाम अगर दो साल बाद है तो क्या होगा कुछ और नया आई ही उसको रोक नहीं सकते हैं तो जो जो नया आएगा उसको भी सेल्फ स्टडी करके या फिर मेरा वीडियो देखकर आप इसी सोर्स में अपडेट करते जाएंगे इसी सोर्स में एक स्टूडेंट से अभी हाल में बात हो रही थी तो उसने पूछ बोला कि सर मैं कैसे अपडेट करूं क्योंकि उन्होंने क्लास लिया हुआ था दो साल पहले अभी इतना सारा चीज़ आ गया है तो उसको ही मैंने समझाया सिंगल सोर्स ऑफ रेफरेंस अब सिंगल सोर्स ऑफ रेफरेंस में प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर आपका मैट में चैप्टर ख़त्म हो गया था तो अब मैं अब सर आपने इतना सप्लीमेंट्स दे दिया अलग अलग यूट्यूब प्ले देख रहा हूँ उसमें अलग अलग वीडियोज़ है उस वीडियोज़ में भी अलग अलग नोट्स है तो सब चैप्टर का फिर नोट्स कितना सारा बन गया अलग 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 तो बनता जाएगा उसका तो कोई उपाय नहीं है क्योंकि जब तक आपको पढ़ाया तब तक सब कॉम्पोजिट आ गया इसीलिए लेटेस्ट बैच लेने का एक फ़ायदा होता है लेटेस्ट बैच इसलिए स्टूडेंट्स को लेने पे मैं मजबूर करता हूँ कि आपका जो भी कंटेंट है ना वो सब एक सिंगल सोर्स पे आ गया है ये पुराना बैच होने से क्या होता है कि उसके बाद में बैच के बाद में भी थोड़ा बहुत अपडेट्स आपको लेना पड़ता है अभी आपको सारा जितना भी इंस्टीट्यूट का सब चैप्टर वाइज आपको फ्लो में मिलेगा बट उसके बाद भी इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ डालेगा तो अब इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ डालेगा तो आपका मान लीजिए फिर बाद में इंस्टीट्यूट कुछ डाला और उसमें चार चैप्टर का कुछ नया आ गया फॉर एग्जाम्पल तो चार चैप्टर का एक अलग पी बन गया तो अब एक सिंगल चैप्टर को अगर कर ख़त्म करने जाएँ तो फिर उसका इस पी में कुछ फिर एक और पी आ गया उसमें तीन चैप्टर का तो उसमें भी कुछ है ऐसे कितना सारा पी रेफर करोगे इसलिए एक सिंगल सोर्स लाना ज़रूरी है डे बिफोर एग्ज़ाम रिविज़न करना है ना तो एक सिंगल सोर्स पर रिविज़न होगा मुझे दस जगह नहीं जाना तो इस तरह से पढ़ाई करना कि सबका सिंगल सोर्स बने अब वो एक स्टूडेंट का परेशानी क्या था कि सर वो लास्ट में सिंगल सोर्स कैसे बनाए मैंने एक आइडिया दिया ठीक है वैसे स्टूडेंट्स का भी आइडिया था अभी हाल में गुड़गांव से एक स्टूडेंट थी उनसे बात हो रहा था इसी दो दिन पहले तो उन्होंने खुद ही अपने से ही सोचा कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि मैं सिंगल जगह लाने के लिए आपका जितना भी सोर्स है ना मतलब जो पी डी एफ्स आ रहे हैं जो अलग अलग बुक्स हैं उन सब बुक को फाड़ लूँ उन सब बुक को सारे बुक को फाड़ लेते हैं बुक को टीयर ऑफ कर लेते हैं फाड़ लेते हैं मतलब एक एक चैप्टर को लेके फिर बंडल्स बना लेते हैं उसको मैं फिर स्पाइरल करा लूँगी या फिर उसका मैं स्टेपलिंग करके अलग फाइल में डाल के रख लूँगी तो एक चैप्टर मेरा एक जगह आ जाए सिंगल सोर्स एक चैप्टर का एक ही सोर्स है अब उसमें जैसे मान लीजिए आपको मैं वॉल्यूम वन टू सेवियर का दे रहा हूँ फिर वर्क बुक दे रहा हूँ ठीक है तो वर्क बुक में कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो आपको लगा मस्त क्वेश्चन है ये तो करना चाहिए तो वर्क बुक को फाड़ा उसका जो क्वेश्चन है उस चैप्टर का निकाल के वो सिंगल सोर्स में डाल दिया अब यहाँ पे अटैच कैसे होगा तो यहाँ पे वर्क बुक के अलावा जो रेगुलर बुक है उसको भी फाड़ा और उसको लेकर उसके साथ अटैच कर दिया अब ये फाड़ा फूड़ी कर रही है तो सर मैनेज कैसे करेंगे बहुत लोग नहीं मैनेज कर पाते इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप आपसे ये मैनेजमेंट हो पाए तो बहुत अच्छी बात मैं अपने पढ़ा पढ़ने के समय ऐसा करता था मैं पूरे बुक्स को फाड़ लेता था चैप्टर वाइज उसको स्टेपल कर लेता था और फिर जितना भी एक्स्ट्रा होता था मैं चैप्टर वाइज उसको बंडल बना बना के चलता था ये मेरा भी तरीका था अपने टाइम पर आप उसको मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आपका अब केपेबिलिटी के ऊपर है अनदर ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप फाड़िया फूड़ी ना करके एक और ऑप्शन होता है जो बहुत बच्चे करते हैं बहुत सारे बच्चे फाड़ा फूड़ी नहीं करते बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सिंगल सोर्स ऑफ रेफरेंस अपना एक अलग समरी नोट्स बनाते हैं खुद का रेफरेंस नोट्स एक अलग समरी छोटा कॉपी बना लेते हैं डायरी बना लेते हैं या फिर लूज पेजेस में ही वो लोग सिंगल रेफरेंस शीट बनाते हैं सिंगल रेफरेंस शीट में क्या बनाते हैं वो हर टॉपिक का समरी को नोट करते हैं जो समरी एक्चुअली हमारा सेवियर बुक में है वो अपने हिसाब से सेवियर बुक का भी एक और छोटा समरी बना लेते हैं सेवियर बुक का भी कुछ और समराइजेशन और शॉर्ट लिख लेते हैं और फिर वहीं पे लिखते जाते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ किस किस बुक में कितना क्वेश्चन है जो उसको पढ़ना है एग्जाम के पहले नॉट ऑल क्वेश्चन विच वी हैव डन कौन कौन सा क्वेश्चन उसको एग्जाम के पहले पढ़ना है आई होप आपको समझ में आ रहा है स्ट्रेटेजिकली कैसे पढ़ना है एक सिंगल सोर्स ऑफ रेफरेंस लाना है एक ही मान लीजिए पेज में एक चैप्टर नेम लिखा हुआ है उस चैप्टर नेम के अंदर एक कॉन्सेप्ट नेम लिखा हुआ है उस कॉन्सेप्ट का बहुत ही मिनिमम वर्ड्स में कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है उसके बाद उसके नीचे उसका रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर कौन सा जगह से क्या पढ़ना है वो लिखा हुआ है बाकी डिटेल खुदरा खुदरा मेरे पास बहुत सारा कुछ कॉपीज बुक्स पड़ा हुआ है सामने में मेरे टेबल पर बट ये जो सिंगल पेज रेफरेंस शीट है या समरी नोट्स है यही मैं डे बिफोर एग्जाम फॉलो करूँगा और इसी से मेरा पूरा कोर्स कवर अप होगा तो वो सेल्फ स्टडी के दौरान आपको बनाना है अभी नहीं सेल्फ स्टडी के दौरान ऑल राइट बट ऑलवेज मेक अ सिंगल सोर्स ऑफ रेफरेंस एंड दिस ऑल टेक्निक्स एक्चुअली हेल्प्स यू इन ऑल द सब्जेक्ट नॉट जस्ट इन कॉस्टिंग कॉस्टिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हर समय कुछ ना कुछ न नया दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन ऐड होता चला जा रहा है जो पहले कभी नहीं था और इंस्टीट्यूट का मैंने आपको क्या बोला थ्योरी में इतना रिजिडिटी है कि वो आपका मन धड़न थ्योरी सुनेगा ही नहीं वो पॉइंट्स मैच करना होगा जो बच्चों का कभी आप में से कुछ लोग होते हैं जो लोग ग्रुप टू ड्यू होता है फिर भी फाइनल का ट्यूशन ले लेते हैं आई इंटर का ग्रुप टू ड्यू होता है तो ग्रुप टू ड्यू होने में मेजर जो कारण है वो ऑडिट और ई आई में और उसमें मार्क्स नहीं आने का मेजर जो कारण है वो यही है कि वो दोनों थ्योरी है वहाँ पर इंस्टीट्यूट रिजिड है आप अपने सोचते हो थ्योरी में हम फ्लेक्सीबल रहेंगे अपना मन से लिखाएंगे बट इंस्टीट्यूट वहाँ पे रिजिड है वो उस आपका पॉइंट्स इंस्टीट्यूट से मैच नहीं करता आपको मार्क्स नहीं देता तो सो इट इज़ हैपनिंग इन कॉस्टिंग एंड दैट हैपेंड इन नवंबर 20 एग्जाम दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट स्कोर बट वाई दिस टू स्टूडेंट कुड स्कोर

एटी फाइव ध्रुव कोठारी का था ये हमारे स्टूडेंट का हाइस्ट मार्क है नवंबर ट्वेंटी में हमारे स्टूडेंट में हाइएस्ट सेवेंटी मैंने देखा अनिकेत बाहेती अनिकेत बाहेती का बट सेल्फ स्टडी से एक स्टूडेंट एटी थ्री लाया तो मैंने उसका जांच पड़ताल किया तो मैं एटी थ्री बोल रहा हूँ आपको कि एटी थ्री बिना ट्यूशन लिए भी लाया जा सकता और उसकी एबिलिटी क्या थी जस्ट वो थ्योरी का पॉइंट्स को मैच करा पाया तो बस आपको मेरे साथ ये थ्योरी का पॉइंट्स का बातचीत को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए आगे पढ़ाई करना है अभी क्या है जैसे जब हम पढ़ाते हैं ना देखिए जब हम पढ़ाएंगे आपको तो उस पढ़ाई में बेसिक बात बताते हैं कि आपको नॉलेज भर के देते हैं नॉलेज नहीं लिया तो फिर रियल वर्ल्ड में क्या सामना करोगे मैं सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड मूवमेंट तो नहीं कर रहा हूँ ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड मूवमेंट आपके साथ नहीं कर रहा हूँ वाट आई एम डूइंग इज़ वाट आई एम डूइंग इज़ नॉलेज गिविंग एज वेल एज़ एग्जाम वट आई एम डूइंग इज़ नॉलेज एज वेल एज एग्जाम ओके सो नॉलेज और एग्ज़ाम मैं जब दोनों साथ में ले कर चल रहा हूँ तो ऑफकोर्स आपको ये पहचानना होगा क्या नॉलेज है क्या एग्ज़ाम है तो इस बार हमने अपने बुक्स में बहुत एक यूनिक चीज़ किया कि जो जो चीज़ मैं नॉलेज के लिए दे रहा हूँ ना मैंने वहाँ पर एक अलग आईकॉन बना दिया है जैसे फर्स्ट चैप्टर में ऐसा नहीं मिलेगा आपको बट सबसिक्वेंट चैप्टर्स में अलग एक आइकॉन मिलेगा बल्ब जैसा कि ये वाला ज्ञान नॉलेज के लिए ऐसा बल्ब बनाया हुआ है जहाँ जहाँ बनाया हुआ मिलेगा आप समझ जाना वो आपका नॉलेज के लिए फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है सबसिक्वेंट चैप्टर्स में जहाँ जहाँ मिलेगा वो आपको दिखेगा नॉलेज इसलिए ज़रूरी होता है कि वो आपको रिटेंशन में भी हेल्प करता है नॉलेज से रिटेंशन बढ़ता है बिकॉज वी ऑल आर ऑलवेज क्यूरियस फॉर नॉलेज सो so नॉलेज चाहिए मतलब जिसको अपने बोलते हैं ज्ञान इसी से ही आपका रिटेंशन बढ़ता है इसी से आपका एप्लीकेशन करने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है एप्लीकेशन एबिलिटीज़ बढ़ती है ठीक है और उसके बाद होता है एग्ज़ाम जिसमें हम लोग एग्ज़ाम का ही काम करते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं एग्ज़ाम का सम्स को और रेप्लिकेट करने का कोशिश करते हैं मैच द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंस्टीट्यूट करने का कोशिश करते हैं मैच द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आई सी आई वो कोशिश करते हैं सीधा मैं अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेशन पे उतर जाऊँगा ना तो आपको सब्जेक्ट बहुत फीका लगेगा अभी क्या हुआ एक इंटरेस्टिंग घटना बताते अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं अलग अलग सोच विचार के अभी मुझे कभी भी अपने क्रिटिसिज्म से कोई डर नहीं लगता मैं उससे लर्निंग करता हूं बट कभी कभी एक्सेसिव जो क्रिटिसिज्म करते हैं उनसे थोड़ा सा मैं वो रहता हूँ कि मतलब उनके ऊपर दया आती है कि बेचारे किस सोच के हैं। जैसे एक स्टूडेंट थे मैं ये जब आपको अभी बता रहा हूँ वैसे मैंने वीडियोस यूट्यूब में काफ़ी सारे बना रखे हैं हाउ टू स्कोर 83 थ्री हाउट टू स्कोर 85 वगैरह वगैरह ठीक है कि पॉइंट्स कैसे मैच किया इस बच्चे ने आप देखो जैसे जहाँ प्रैक्टिकल थोड़ा सा ज़्यादा आता है उसमें मार्क्स ज़्यादा आता है जहाँ थ्योरी ज़्यादा आता है उसमें मार्क्स बहुत कम हो जाता है ये जनरल रूल है एग्ज़ाम में क्योंकि बच्चे थ्योरी को थोड़ा सा कैजुअली लेते हैं तो अभी एक हाल में कल ही एक मैंने कमेंट देखा यूट्यूब वीडियो में वहाँ पे एक स्टूडेंट लिख रहा है कि आ, आप एप्पल और अमेजोन का स्टोरीज़ बताने से ज़्यादा अगर हमें पॉइंट्स लर्न कराते तो हमारा मार्क्स अच्छा आता मेरा 55 आया बट मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने क्यों आपकी इतनी स्टोरीज़ सुनी पास हो गया फिफ्टी आया बोले मेरा और मार्क्स आ जाता बोले तो आप एप्पल और अमेजोन का स्टोरी मत बताइए उससे अच्छा आप हमें पॉइंट्स लर्न करा दीजिए तो मुझे आपका व्यू जानना है कि आपको क्या लगता है कि सर एप्पल, एमेजोन अगर कभी करना चाहें कुछ नॉलेज बेसिस पर वो करें कि ना करें कैन यू शेयर योर योर परसेप्शन और योर व्यूज ऑन दिस वो बच्चे ने ऐसा लिखा यूट्यूब में लिखने वाला लिबरल है कुछ भी आपके पास यूट्यूब का यूज़ एप्लीकेशन है तो आप कुछ भी लिख ही सकते हैं ना फ्री इंडिया है डेमोक्रेटिक कंट्री है, है तो उसने ऐसा लिखा कि रिग्रेट माई फिफ्टी फाइव मार्क्स इंस्टेड ऑफ़ टेलिंग अ स्टोरीज ऑफ एप्पल एंड एमेजोन इफ़ यू कुड है फोकस्ड ऑन वॉट टू रिमेंबर आई वुड हैव स्कोर्ड मोर मार्क्स ऐसा उसने लिखा था तो मुझे पढ़ के लगा कि कैसे किस तरह के माइंड के भी स्टूडेंट्स होते हैं बट आपका बैच का एक्सपेक्टेशन क्या है वो आप बताएंगे ठीक है देखो मेरा ये मानना है ना कि बच्चों को ये चीज सिर्फ एग्जाम तक ही याद रहता है एग्जाम खत्म ये सब भूल जाते हैं और ये लाइफ लॉन्ग याद रहता है मेरा जो अनुभव रहा हुआ है अगर आप मुझे ज़िंदगी भर याद रखोगे तो इसके लिए याद रखोगे ना कि इसके लिए एग्ज़ाम तो पास हो ही जाएंगे मेरे बिना भी हो सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो नॉलेज वॉन्ट हैम्पर एनी थिंग दर्शन इज सइंग यू कैन सेलेक्ट एज पर द नीड ऑफ द कॉन्सेप्ट वंदना इज सइंग रिटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट इनक्रीजेज विथ प्रैक्टिकल नॉलेज यस यू नीड बैकग्राउंड प्रीति बात सही है बोलने वाले का बोल दे ना कुछ भी बोलना है तो बोल सकते हैं मैं बोलता हूँ ना आई एम वेरी ओपन टू माई क्रिटिसिजम्स मैं बहुत ओपन हूँ अपनी कमियाँ सुनने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जो नॉर्मली हर लोगों में क्वालिटी नहीं होती है बट मेरे में है मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ बट कभी कभी कुछ चीज़ सुनता हूँ तो सामने वाले पे दया आती है कि किस सोच से वो चल रहा है एनी पॉइंट ये है कि पॉइंट याद रखना पड़ेगा ये चीज़ का खास ध्यान रखिए थैंक यू सो मच फॉर द वेलकमिंग साइंस ऑफ शोइंग योर इगरनेस टू लर्न द न्यू स्टफ्स और नॉलेज ऑल्सो यस विदाउट नॉलेज हाउ वी फेस द रियल वर्ल्ड बाई स्कोरिंग इन एग्जाम हाउ वी टैकल द प्रॉब्लम इन प्रोफेशनल लाइफ ये मैं ऐसी ही सोच रहा था कि यार एग्जाम में अगर मार्क्स थोड़ा कम भी आ जाए ना सौ में सौ नहीं चाहिए हम लोग को नब्बे भी मिले अस्सी भी मिले सत्तर भी मिले तो भी ठीक है ओके बट पॉइंट इज रियल वर्ल्ड का जानकारी होगा ना तो कुछ धमाका कर जाएंगे लाइफ में लाइफ इज इम्पॉर्टेंट मोर इम्पॉर्टेंट दैन एग्जाम इन माई ओपिनियन मेरी नज़र में इन माई व्यू अगर मेरे से बात करें मैं हमेशा हर स्टूडेंट को बोलता हूँ लाइफ इज़ मच बिगर देन योर एग्ज़ाम मच बिगर देन योर एग्जाम यू हैव टू मोर अर्न मोर इन योर लाइफ देन योर एग्जाम ओके एग्जाम में अर्न मतलब मार्क्स लाइफ में अर्न मतलब लोग पैसा यू लर्न पीपल यू लर्न मनी बट मार्क्स सो मार्क्स

कि स्टडी स्ट्रेटेजिकली फ्रॉम डे वन आज से ही स्ट्रेटेजिकली पढ़िए डे वन फ्रॉम डे वन सब तरीक़ा से पढ़िए सिंगल सोर्स पे लाना है इस चीज़ को ध्यान रखिए मैं आपको क्लास में जब पढ़ाऊँगा तो आपको वो सिंगल सोर्स कैसे बन, बनता है वो सब दिखाते ही चलूँगा बट इसके अलावा जब क्लास ख़त्म हो जाएगी जब यहाँ पे अपडेट्स आएंगे वो अपडेट्स को कॉपअप कैसे करना है वो भी सिंगल सोर्स में वो आपको सीखना है ठीक है और लास्ट एक डिस्कशन है लास्ट एक डिस्कशन है टू बी एबल टू स्टार्ट योर सब्जेक्ट दिस इज आई विल से द फोर्थ डिस्कशन इन ब्रेकिंग द मिथ फोर्थ डिस्कशन इज ब्रेकिंग द मिथ इज हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे तो पास कैसे होगे इतना बड़ा सिलेबस ओके तो ऐसे तो ये सब की इंटरव्यूज़ में रैंक होल्डर्स की और अच्छे अच्छे स्कोरर की अलग अलग तरह से डालते रहता हूँ जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके पास किया या फिर जो एक बार मैं पास किए जो अच्छा स्कोर किए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर सब्सक्राइब हो दो यूट्यूब चैनल है आप हमारा उस पर सब्सक्राइब रहिएगा एक सतीश जलान नाम से है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लिखा हुआ उसमें सतीश लान स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल है और दूसरा यूट्यूब चैनल है हमारा एस जे सी इंस्टीट्यूट दोनों में सब्सक्राइब रखना पड़ेगा आपको ओके तो इंटरेक्टिव वीडियोस में ज़्यादा एस जे सी इंस्टीट्यूट में डालता हूँ अगर आप कोई भी रिसेंट मेरे ऑल इंडिया रैंक सिक्स या फिर ऑल इंडिया रैंक एट रीसेंट के वीडियो को अगर आप देखोगे तो वो आपको एक परसेप्शन देंगे उसको आप ज़रूर देखना मतलब आई विल जस्ट सजेस्ट कि एक बार आप ज़रूर देखना उससे आपको एक क्लेरिटी आ जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्सपेरिमेंटेड है वेल well ट्राइड है रिजल्ट उसका सामने और सबका एक ही अप्रोच है अप्रोच में कोई डिफरेंस नहीं है अप्रोच इज एग्जैक्टली सेम सो ये मस्ट वॉच इसीलिए बोल रहा हूँ और उसके हिसाब से आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि स्मार्ट स्टडी कब करना होता है कैसे करना होता है पहला स्मार्ट स्टडी का लेवल होता है दो पार्ट में अगर मैं इसको ब्रेक करूं एक होता है ड्यूरिंग ट्यूशन्स ड्यूरिंग ट्यूशन्स और दूसरा होता है ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि यही असली आधार है यही असली आधार है हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसी को हम लोग फॉलो करते हुए पूरा कोर्स पढ़ते हैं ना कि आप ये सिर्फ एस में अप्लाई करेंगे या हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं ओके ड्यूरिंग ट्यूशंस और ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी फर्स्ट इज ड्यूरिंग ट्यूशन्स आपको क्या करना चाहिए कीप नोटिंग सम एक्सप्लेनेशंस और मे बी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स रेफरेंस रियल वर्ल्ड रेफरेंसेस जो हम लोग क्लास में कभी कभी कनेक्ट करते हैं ओके असाइड और बिसाइड द कॉन्सेप्ट ठीक है कॉन्सेप्ट जब चल रहा है उसके अगल बगल जैसे कॉन्सेप्ट का नोट्स आपको मिलेगा ही मिलेगा मेरे से कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेगा ही मिलेगा ठीक है ये नोट्स मेरे से मिलेगा ही मिलेगा बट इसके साथ साथ जो मैं एक्सप्लेनेशन और रियल वर्ल्ड रेफरेंस देता हूँ वो बहुत बार नहीं भी लिखाता हूँ बहुत बार लिखा भी देता हूँ तो अगर लिखा दिया तो बुनानजा नहीं लिखाया तो भी आप सुनते सुनते उसको नोट करते रहेंगे बिकॉज जितना आप नोट करते हैं ना जैसे जैसे आप नोट करते हैं उसका इम्प्रेशन माइंड में बनता है और वो रिटेंशन में हेल्प होता है आप ऐसे बैठ के खाली सुनो उससे नींद भी आएगा टेंशन भी डाइवर्ट होगा और आपको बोरिंग लगने लगेगा बट यही अगर आप लिखते रहोगे तो आप कनेक्टेड फील करोगे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा आपका क्लास में ध्यान ज़्यादा रहेगा और कंसेप्ट भी याद होते रहेगा और सबसे बड़ा फायदा जब आप बाद में दो साल बाद भी अगर सब्जेक्ट उठा के देखोगे तो आपको अपना हाथ का लिखा हुआ देखने का मन ज़्यादा करता है रादर देन जो प्रिंट हुआ हुआ है तो आप जितना भी मैं अच्छे फॉन्ट में या डिजाइन में प्रिंट कर दो अपने हाथ से जैसा भी लिखोगे उसका पढ़ने का मन ज्यादा करता है तो कीप नोटिंग द एक्सप्लेनेशन रियल वर्ल्ड रेफरेंस असाइड बिसाइड द कॉन्सेप्ट नोट्स सेकेंडली कीप मार्किंग द ट्रिकी एरिया ऑफ अ क्वेश्चन ट्रिकी एरिया ऑफ अ क्वेश्चन एज वेल एज ट्रिकी क्वेश्चन एंड द ट्रिकी क्वेश्चन उसका मार्किंग होते रहना चाहिए वो रेफरेंस आपको ड्रॉ करते रहने पड़ेंगे कीप मार्किंग द ट्रिकी एरियाज ऑफ अ क्वेश्चन एंड द ट्रिकी क्वेश्चन और राइट इफ़ रिक्वायर्ड फॉर थ्योरीज मैंने इस पर्टिकुलर मैट में आपका जो भी मैट इस बार इस बैच में मिलेगा जो पुराने बैच के मैट्स में नहीं था बहुत सारा निमोनिक्स बना दिया है मेमोराइज करने के लिए कोड्स वगैरह बना दिया है तो वो आपको दिखाऊंगा जब जब आएगा तो वो थ्योरीज के लिए आपको प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा बिकॉज द पॉइंट शुड मैच यू कैन नॉट डिवेट द पॉइंट्स एंड पॉइंट्स थोड़ा सा लर्न करना ही पड़ेगा कुछ कुछ पॉइंट्स तो स्टोरीज से याद हो जाते हैं एग्जाम्पल से याद हो जाएंगे बट आपको मेमोराइज़ तो करना ही पड़ेगा ठीक है इसके लिए कुछ निमोनिक्स लास्ट में बनाओगे वो सही नहीं है अभी बना के रख देना मेक इट नाउ ये ड्यूरिंग ट्यूशन्स का बात है ओके okay? फोर्थली आई सी आई मैट आई सी आई मैट आपका अभी तक का तो पूरा अपडेटेड है सारा रिसोर्सेज ठीक है जस्ट कीप योर सेल्फ कीप योर सेल्फ अपडेटेड विथ ऑल रिसोर्सेज ऑफ आई सी आई विथ ऑल रिसोर्सेज ऑफ आई सी आई जैसे किसी सब्जेक्ट में मैच करा लेना बस यू मस्ट मैच कि चैप्टर वन हो गया तो मेरा ये सब कवर हो गया कि नहीं हो गया ये सब क्वेश्चन उसके जो थे वो सब हो गया कि नहीं हो गया कीप मैचिंग ऑल टिक 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 डू क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ योर आई सी आई मैट एंड योर ट्यूशन नोट मटीरियल्स डू क्रॉस रेफरेंसिंग नाउ ऑल दीज इफ यू डू टूवर्ड्स द सेल्फ स्टडी पीरियड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम देन बट इफ यू डू इट नाउ यू आर प्रिपेरिंग योर सेल्फ फॉर अ बेटर सेल्फ स्टडी पीरियड अगर आप ये सब करते हो तो सेल्फ स्टडी के लिए आप बेटर प्रिपेयर होते जा रहे हो यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर सेल्फ स्टडी इन मोर स्मार्ट वे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर यू गेटिंग द पॉइंट सो क्रॉस रेफरेंसिंग करते रखोगे रखो, रखो, रखो और एक बात कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो अपडेट्स आते रहेंगे ना पोस्ट योर बैच कंप्लीशन वेन शुड यू डू दिस अपडेट ये ये अपडेट कब करना चाहिए दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन

बिफोर सेल्फ स्टडी पीरियड सेल्फ स्टडी पीरियड में हम अपडेट वपडेट एकदम मजबूरी में जा करेंगे कोई लास्ट मोमेंट में कोई अपडेट आया तो अदरवाइज उसके पहले का जो भी है वो सब अपडेटेड होना चाहिए एंड एट द एंड ऑफ योर ट्यूशन पीरियड एट द एंड ऑफ योर ट्यूशन पीरियड यू शो योर सेल्फ सिंगल रेफरेंस नोट्स सेल्फ स्टडी पर्पज नोट्स शुड बी रेडी जिसको मैं सिंगल रेफरेंस नोट्स बुला रहा हूँ और सिंगल रेफरेंस नोट शुड बी रेडी शुड बी रेडी दिस इज द एंड आउटकम ऑफ योर ट्यूशन पीरियड ट्यूशन पीरियड इज़ फोकस्ड ऑन मेकिंग दिस सेल्फ स्टडी पीरियड ईजी फॉर यू ट्यूशन पीरियड का ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है टू हैव ईजी सेल्फ स्टडी पीरियड

और अपना लिखने का जो है वो पेंसिल रखो और सर का जो लिखा है वो पेन से लिखो अपना जो लिखने का वो पेंसिल से लिखो सर का जो लिखवाना है वो पेन से लिखो या फिर यू कैन चेंज अ डिफरेंट कलर अपना लिखने का आप ग्रीन पेन से लिखो सर का लिखने का जो है वो नॉर्मल पेन से लिखो कीप मार्किंग द ट्रिकी एरियाज ऑफ क्वेश्चन एंड ट्रिकी क्वेश्चन सो ट्रिकी एरिया क्या है और ट्रिकी क्या है वो आपको देखना है ऐसे मैं हर क्वेश्चन जो यहाँ पे लेता हूँ ना

okay and for self study period you must divide this period in such a manner that you are able to do at least three revisions the day before your exam the day before you should be able to do three revision so basically the day before will be another revision okay सो थ्री रिविजन्स मस्ट बी कम्प्लीटेड द डे बिफोर अब उसके लिए क्या करते हैं नॉर्मली फर्स्ट रिविज़न जब होता है रिविज़न वन फर्स्ट रिविज़न जब होता है तो ये वाला जो आपका ट्यूशन लिया हुआ नोट्स होता है ना बहुत हद तक आप भूल चुके होते हो मतलब याद नहीं रहता इसलिए सजेस्टेड ये रहता है कि एक ट्यूशन ख़त्म हुआ उसके बाद वीकली बेसिस में कभी हाफ एन आवर फिफ्टीन मिनट्स किसी भी पुराने सब्जेक्ट का कोई भी एक चैप्टर उठाकर एक बार गो थ्रू कर लेने से दो तीन कॉन्सेप्ट को भी गो थ्रू कर लेने से पूरा सब्जेक्ट से आप टच में रहते हो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं सोचो कि आपका कोर्स अगस्त तक ख़त्म हो गया कॉस्टिंग का नाउ योर एग्जाम इज़ इन 22 सो नाउ यू विल स्टार्ट न्यू सब्जेक्ट आफ्टर कॉस्टिंग नाउ इन बिटवीन इन एनी ऑफ डे कॉस्टिंग का कोई चैप्टर खोला उसका कोई दो तीन कॉन्सेप्ट भी घुमा लिया ना तो सब्जेक्ट से टच मेरा तो ट्राई टू मेंटेन द टच विद द सब्जेक्ट बिफोर योर सेल्फ स्टडी अदरवाइज दिस रिविजन वन विल बी वेरी टफ रिविजन वन विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम दिस रिविजन वन में कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम रिमेंबर दिस ये सब बातें वैसे हम लोग को लास्ट में करना चाहिए सिलेबस के बट मैं लास्ट में फिर कर लूँगा अभी फर्स्ट से ही कर रहा हूँ बिकॉज अल्टीमेटली गेम प्लान सेल्फ स्टडी का ही है yeah. और इसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट का प्लानिंग करना पड़ेगा रिविजन वन इज बेसिकली री अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्यूशन पार्ट इट्स ऑल अबाउट री अंडरस्टैंडिंग एवरी थिंग एंड इट्स यूजअली द लॉन्गेस्ट रिविजन द थ्री रिविजन दैट यू आर प्लानिंग टू डू इट मे टेक अप टू सेवन डेज और टेन डेज समाइम्स फिफ्टीन डेज फॉर समेट ट्वेंटी फाइव डेज ऑल्सो फॉर वन सब्जेक्ट ओके री अंडरस्टेंडिंग ऑफ एवरी थिंग डन इन ट्यूशन अगर आपने आपने अगर मान लीजिए ये सब अपडेट अपने आप को पहले से कर लिया तो ठीक नहीं तो वो अपडेट यहाँ पर करना पड़ेगा यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा बहुत स्टूडेंट्स नहीं कर पाते वो अपडेट तो उनका यहाँ रिविजन कॉस्टली हो जाता है बल टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स देन वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं किसी चैप्टर को छोड़ते हैं फिर अगर आपको श्योर शॉर्ट पास होना है तो हर चैप्टर करना पड़ेगा कॉन्ड ली वेनी चैप्टर ओके यूट माइट बी दैट समर्स आर वेरी गुड इन ग्रिप एंड समर्स आर नॉट दैट मच इन ग्रिप बट यू हैव टू डू ऑल द चैप्टर्स इफ़ यू हैव टू पास इन वन अटेम्प्ट एंड श्योर शॉर्ट सो री अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग ओके एंड दिस री अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग विल टेक लॉड ऑफ टाइम but usually it is supposed to also ensure that your single source reference single reference notes is thorough is well updated it has to ensure that it is well updated is well updated you have to ensure by the revision 1 अगर कुछ और भी उसमें कोई क्वेश्चन से सीखने को मिला जो सर ने नहीं लिखवाया अपने से डाल दो उसको पूरा अप टू डेट करना पड़ेगा और वो सिंगल रेफरेंस नोट्स आपको बनाना पड़ेगा अगर पहले ही बना लिया था ठीक है तो यहाँ पर कुछ भी करते समय आई सजेस्ट कि एक दूसरे कलर के पेन से लिखना चाहिए जैसे अगर वहाँ पे ब्लू ब्लैक से लिखा था तो यहाँ पे रेड से लिखना चाहिए जिससे कि आपको याद रहेगा कि रिविजन वन में मैंने और एक्स्ट्रा अपडेट किया है और जो भी सेल्फ स्टडी नोट्स यहाँ पर थोड़ा सा बनाते हैं आप वो नोट्स थोड़ा स्पेशियस रखेंगे तो यहाँ पे बाद में कुछ इंसर्ट करने भी काम आएगा या फिर वो पेजेस में बनाइए तो नया पेज कभी भी आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो ये रिविजन वन का जो पीरियड है इसमें आपका यूजली सारा आई सी आई मैट भी कवर हो जाना चाहिए जैसे इन सम सब्जेक्ट्स यू विल सी दैट आई सी आई मैट मे नॉट बी डायरेक्टली फॉलोड फॉर यू यू हैव टू अंडरस्टैंड इन ट्यूशन एंड वाइल्ड टेकिंग ट्यूशन इसलिए मैंने आपको बोला यहाँ पर कि आई सी आई से ना अपने आप को अपडेट कर लो और चेक कर लो कि सब आई का क्रॉस रेफरेंसिंग हो गया कि नहीं हो गया आपको नॉलेज होना चाहिए ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके ट्यूशन पे रिप्लाई कर लिया हालांकि ट्यूशन के सर बोल रहे सब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा बट फिर भी क्रॉस चेक करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली आई सी मैट से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा ट्यूशन टीचर के मैट से नहीं पूछेगा तो आई मैट का डिस्पैरिटी कितना चल रहा है आपको ये ड्यूरिंग ट्यूशन एनालाइज कर लेना चाहिए और वो डिस्पैरिटी को यहाँ पे मीट करना होगा जैसे मान लीजिए लॉ में होता है ऐसा बहुत बार कि प्रोविजंस प्रोविजंस के पढ़ रहे हो लॉ के टीचर के साथ और आई आई मैट में कुछ और ही है तो एग्जैक्ट हेडिंग भी मैच नहीं हो रहा बहुत बार बहुत बार पॉइंट्स मैच नहीं हो रहा तो वो डिस्पैरिटी को क्लोज कर देना है आई वि यहाँ पर आइडेंटिफाई द डिस्पैरिटी आई विल से यहाँ पर आइडेंटिफाई द डिस्पैरिटी एंड कीप इट नोट इट ओके ड्यूरिंग ट्यूशंस बट हियर यू शुड इन योर रिविजन वन क्लोज द डिस्पैरिटी क्लोज द गैप जितना भी गैप था वो सबको फिल कर देना है दैट इज रिविजन वन एंड इट मे टेक अप टू थ्री मंथ्स टू टू थ्री मंथ्स ऑफ टाइम द फर्स्ट रिविजन ओके नेक्स्ट कम्स रिविजन टू रिविजन टू कैन बी डन विद इन अ स्पैन ऑफ वन मंथ दिस इज द स्पैन ऑफ वन मंथ एंड इन दिस रिविजन टू वॉट यू विल डू इज यू विल ओनली रेफर योर सिंगल रेफरेंस नोट ओनली रेफर योर सिंगल रेफरेंस नोट यहां पर आपको ऑल सम्स एक बार दिखने पड़ेंगे ऑल क्वेश्चंस आपको दिखने पड़ेंगे खाली ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बट इन रिविजन टू यू विल स्टार्ट ओनली रेफरिंग द ट्रिकी क्वेश्चन द ट्रिक्स ट्रिकी क्वेश्चन एंड ट्रिकी एरिया समटाइम्स यू नीड नॉट डू द फुल ट्रिकी क्वेश्चन यू कैन ओनली डू ट्रिकी एरियाज इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट रेस्ट ऑफ द पार्ट बट आई विल सजेस्ट दैट यू डू ऑल ट्रिकी क्वेश्चन हीयर मस्ट अलॉन्ग विद दिस यू शुड नाउ अटेम्प्ट आर टी पीज पास्ट पेपर्स and some mtps whatever has been released by institute in recent period of your examination rtp past papers and mtps you should visit in revision 2 then comes revision 3 the third revision then comes revision 3 this is going to take another one month wo ek mahina aur lega उस revision थ्री में आपको अगर आठों subject देना है तो आठ subject चार subject दे रहे हो तो चार subject जो भी आपको वो उसी spread में पढ़ना है जैसे ही आपका टाइम हो मतलब तीन चार पाँच महीने का सेल्फ स्टडी तो मिनिमम लगता है अगर तीन रिविज़न करना है अगर आपको ऑफिस से बाई चांस कम छुट्टी मिला तो दो रिविजन हो पाएगा बट तीन रिविजन से रिटेंशन इंश्योर होता है द एम ऑफ दिस रिविज़न इज दिस रिविज़न एक्चुअली इंश्योर्स रिटेंशन वेदर यू रिमेंबर थिंग्स और नॉट सो यू री और रिवाइज योर सिंगल रेफरेंस नोट अगेन रिविज़न वन में इंश्योर कर रहे हो रिवाइज रिवाइज करके सिंगल रेफरेंस नोट परफेक्ट हुआ कि नहीं रिविजन टू में उसको रेफर मतलब रिवाइज कर रहे हो फिर से यहाँ पे अगर सिंगल रेफरेंस नोट को रिवाइज करो तो कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे फिर से आपको नए नए कुछ याद आएंगे कुछ और आपको लगेगा ऐड ले, कर लें माइनस कर लें या और समराइज कर लें तो करना चाहिए और उसको एक और कलर का पेन से लिखना चाहिए जैसे अगर यहाँ पे ग्रीन से लिखा तो यहाँ पे ब्लैक से लिखा यहाँ पे ब्लू से लिखा ऐसा कुछ जितना वेरिएशंस आप डाल सको उतना बेटर है तो आपको लास्ट मोमेंट पे जो रिविज़न थ्री किया हुआ होता है ना वही एग्ज़ाम में ज़्यादा याद होता है इसके बाद डे बिफोर रिविज़न आएगा डे बिफोर रिविज़न जो होगा एग्ज़ाम का उसमें आपको वही सिंगल रेफरेंस नोट लेकर सारे ट्रिकी क्वेश्चंस को वापस से गो थ्रू करने और रिविज़न थ्री का ही रिविज़न वापस से होता है प्लस ट्रिकी क्वेश्चन या ट्रिकी एरियाज़ ट्रिकी एरियाज़ ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन आपको देखने यहाँ पर जनरली कहीं लोग कुछ बोलते हैं रिटर्न प्रैक्टिस बट रिटर्न प्रैक्टिस मतलब मैं ये मानता हूँ कि जब भी भी आप पढ़ें कोई भी क्वेश्चन को कहीं पर भी चाहे रिविजन वन हो चाहे टू हो चाहे थ्री हो क्वेश्चन पढ़ के आंसर को देखें नहीं क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर प्रैक्टिकल होगा तो स्क्रिबल करके करेंगे और थ्योरी होगा तो स्क्रिबल करके पॉइंट्स लिखेंगे ये बेसिक है हर रिविजन परपज़ हर रिविजन का कि नेवर नेवर एवर ट्राई टू नेवर ट्राई टू कॉपी द क्वेश्चन और कॉपी दी द सोल्यूशन नेवर सी दोल्यूशन ओके सोल्यूशन को कभी देखने का काम मत करना नेवर सी दोल्यूशन ऑल राइट नेवर सी दोल्यूशन व्हाट यू हैव टू डू इज ऑलवेज अटेम्प्ट सोल्यूशन जितना अटैम्प्ट करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जैसे कि एग्जाम में नया नया क्वेश्चन भी आजकल आ रहे हैं जनवरी ट्वेंटी वन वॉज अ लर्निंग फॉर मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट देयर कैन बी नाउ न्यू क्वेश्चन गोइंग अहेड सो दिस रिड्यूसेज द फियर ऑफ न्यू क्वेश्चन रिड्यूसेज द फियर ऑफ न्यू क्वेश्चन आई हैव टॉक टू सेवरल स्टूडेंट्स कि हाउ डिड यू ओवरकम द फियर ऑफ न्यू क्वेश्चन हाउ डिड यू स्कोर सो वेल इन जनवरी ट्वेंटी वन एग्जाम वेयर ऑल द क्वेश्चन वेयर न्यू सो दे सेट सर वी नेवर यूज़ टू जस्ट सी द सोल्यूशन वी ऑलवेज यूज़ टू अटेम्प्ट जितना भी क्वेश्चन होता था ना उसको करते थे नया भी आ जाता था उसको करके देखते थे और वो करते करते क्या हुआ ना वो क्वेश्चन रीडिंग का प्रैक्टिस बन गया पेशेंट रीडिंग का वो डेटा समरी बनाना आ गया तो वो सम्स हो जाता था सर ऐसा नहीं कि नहीं होता था और अल्टीमेटली सौ में सौ थोड़ी लाना है अपने को हंड्रेड 100 हंड्रेड -100 थोड़ी लाना है अपने को सेवेंटी एट्टी लाने से भी अच्छा मार्क्स आ रहा है तो सेवेंटी एटी आ ही जाता है वो अटेम्प्ट करने से आप पूरा ग्रॉसली इनकरेक्ट नहीं होते हो सेवेंटी एटी परसेंट तो सही कर ही लेते हो सो इट रिड्यूसेज द फियर ऑफ न्यू क्वेश्चन दिस इज द होल गेम प्लान ऑफ योर सब्जेक्ट एंड आई होप आई हैव बिन एबल टू कम्युनिकेट वेल टू यू कि ड्यूरिंग ट्यूशन यही फोकस करना है कि मेरा सेल्फ स्टडी ईजी कैसे होगा इसलिए नोटिंग एक्सप्लेनेशन रेफरेंस अंडरस्टैंडिंग सब ईजी करते जाना है सेल्फ स्टडी के समय तीन रिविजन प्लान करना है रिविजन वन में रीअंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी थिंग फिर सेल्फ रेफरेंस नोट को अपडेट करो आई सी ए मैट से क्लोज द गैप ऑल क्वेश्चन शुड बी डन अगेन ऑल क्वेश्चन शुड बी डन अगेन ऑल क्वेश्चन मीन्स द क्वेश्चन दैट है इन रिविजन टू यू हैव टू जस्ट सी ट्रिकी क्वेश्चन एंड

और डे बिफोर के लिए आप तैयार हो जितना अटेम्प्ट शुरू से करोगे उतना नया क्वेश्चन का फियर खत्म होता चला जाएगा ऑल राइट ओके अविनाश सिंह इज संग माई इज इन टू कंप्लीट थ्री रिविजन यू हैव टू प्लान फाइव मंथ्स आपका टाइम है और थ्री रिविजन कैसे करना है देखिए अब पॉइंट इज सी अगेन आप मच्योर्ड हो आप मेरे को मैंने पूरा प्लान बता दिया अब ऐसे ही होता है देखो ये कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने आपको ठीक है तीन रिविज़न ऐसे ऐसे होता है अब आपको अपने लिए अप्लाई करना है खुद के लिए तो अप्लाई करो कि मेरा एग्ज़ाम नवंबर 21 में तो मैं कैसे शेड्यूल बनाऊं कि मेरा तीन रिवीजन हो पाए ऑल राइट सो आपको शेड्यूल अपना बना के देखना पड़ेगा कि तीन रिवीजन कैसे होगा करना क्या क्या मैंने बता दिया नॉर्मली दो से तीन महीना फर्स्ट वाला रिवीजन ले लेता है कोई सब्जेक्ट ज़्यादा टाइम लेगा कोई कम लेगा बस आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपना दो से तीन महीना का पीरियड आठ सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट कम टाइम लेगा कुछ ज़्यादा टाइम लेगा बट तो करना तो पड़ेगा माई ओरिएंटेशन इज ओवर नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन प्लीज आस्क देन आई विल बी रेडी फॉर स्टार्टिंग विथ माई फर्स्ट चैप्टर कोई भी क्वेश्चन हैं प्लीज आप पूछ लीजिए प्लीज आस्क आई होप दिस औरटेशन बिन यूजफुल फर यू अगर आपको यूज़फुल लगा तो आप वो भी बता सकते हैं मेरे को कि सर फ़ायदा हो गया यही सब तो मेन कन्फ्यूज़न रहता है अब थोड़ा मन को क्या आपको शांति मिला है आपको पिक बड़ा पिक्चर दिख रहा है आने वाला एग्ज़ाम का क्या है नहीं है लर्निंग फिर इसी उद्देश्य से करेंगे हम सब मिलके यही चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम में भरपूर नंबर भी आए प्लस आप नॉलेज भी गेन करो मतलब आप कहीं ऐसे न रह जाओ कि नंबर तो बहुत आए बट नॉलेज वाइज अधूरे रह गए ऐसा मैं नहीं चाहूँगा तो नॉलेज भी रहे नंबर भी बहुत आए उसके लिए संघर्ष करेंगे जो लोग ट्यूशन नहीं लेते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि उनका मार्क्स आ जाता है बट नॉलेज वाइज कभी कभी वो नया नया एग्ज़ाम्पल्स जो आप लोग यहाँ पे उनसे समझ लेते हो सीख लेते हो वो सब नहीं मिल सकने से कभी कभी ऐसा होता है कि अधूरा लगता है कुछ गैप लगता है मतलब जैसे मैं खुद भी अपने समय में बिना ट्यूशन के पढ़ा था तो एग्ज़ाम तो पास कर ही लिया था ऐसे मैट को रेफर किया दो तीन बार पढ़ा आराम से तो एग्ज़ाम पास हो गया बट एग्ज़ाम देते हैं ना तो बहुत बार अधूरा अधूरा सा लगता है सी बन के भी अंदर में लगता था कि हाँ सी तो बन गए लेकिन थोड़ा कुछ अधूरा अधूरा रह गया कि कुछ चीज़ और बेहतर जान सकते थे बट जानने का मौका ना मिला क्योंकि ट्यूशन नहीं लिया था ये ट्यूशन का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है यस प्रीति मोर इज सिंह यस सर वैभव रेड्डी इज सिंह क्लैरिटी मिला सर ऋतिक इज सिंह वेरी मच सिग्निफिकेंट यस सो डू यू फील दैट ये जो मैंने बताया ये सारी बातें ये फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए थी कि ये लास्ट क्लास में होनी चाहिए थी वॉट इज योर ओपिनियन इन दिस थोड़ा सा मुझे बताइए <laughs> मैत्री स्वीरिंग सर मैथ्स वैथ्स भी है क्या कॉस्टिंग में मैथ्स क्या बेसिक टू प्लस टू फोर ये सब तो गेव मी लॉट ऑफ क्लैरिटी हाउ टू मूव फॉरवर्ड विथ माई स्टडी प्लान यस प्रीति सिंह की फर्स्ट क्लास में ही होना चाहिए गुड मुस्कान सिंह की क्लैरिटी मिला दर्शन बोल रहे फर्स्ट में ही केशव कुमार भी बोल रहे क्रिस्टल क्लियर हो गए हम एग्ज़ाम्स में के लिए वेरी नाइस nice, तो ठीक है आप सब कोई बात कर सकते हैं देखिए बात करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बस मुझे प्रॉब्लम क्या है जब आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई कॉन्टेक्स्ट पे मैं हूँ आप अचानक से कुछ ऑर्ड क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होता है अदरवाइज़ इरिटेशन भी होगा तो भी आपको आंसर ज़रूर करूंगा बट अंदर में इरीटेशन होता है अदरवाइज़ आप विद इन द टॉपिक मेरे से बात करते मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लैरिटी शुड ऑलवेज बी इन फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास में सर वरना गेम प्लान बाद में करना पड़ता है ओके okay. डायरेक्शन मिल गया यस yes, दर्शन भाई जब भाई साहब शेयर कर दूंगा आप घबराएं नहीं कर देंगे शेयर बोला न कर देंगे ये सब आपको मिलेगा जो लिखा हुआ सब आपको मिलेगा ठीक है डोंट वरी यू विल गेट एवरी थिंग डू यू नीड अ ब्रेक ऑफ फाइव मिनिट्स डू यू नीड अ ब्रेक आपको क्या पाँच मिनट का ब्रेक चाहिए चाहिए तो बोलिए नहीं तो आगे बढ़ते हैं ओके टेक अ ब्रेक टेक अ ब्रेक यस मेजॉरिटी ने वोट डाल दिया ब्रेक के लिए थोड़ा सा पानी पी लीजिए वाटर कीप्स यू हाइड्रेटेड एंड योर माइंड कीप्स वर्किंग विथ वाटर अपना जो माइंड है ब्रेन है ना ब्रेन उसका सेवेंटी परसेंट जो न्यूट्रिशन है वो वाटर से आता है सो वाटर लेवल अगर बॉडी में डाउन होगा ना तो सबसे पहले ब्रेन हल्का हो जाएगा ओके okay? सबसे पहले ब्रेन आपका कुछ भी लेना बंद कर देगा तो मेक श्योर वेन एवर यू आर स्टडिंग यू ऑलवेज अ बॉटल ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ यू एंड ट्राई टू मतलब जैसे लगता है ना कुछ हैवी लग रहा है तो हैवी लग रहा है मतलब पानी कम हो गया है तुरंत पानी पीजिए ट्राई टू ड्रिंक वाटर एटलीस्ट टू टू थ्री टाइम्स विद इन अ क्लास टेक अ ब्रेक टेक अ ब्रेक आई विल ऑल्सो स्टैंड फॉर सम टाइम एंड देन आई विल सेट तब तक आप ये प्लीज नोट्स अरेंज कर लीजिए हालांकि आज मैं इस नोट्स पे कुछ काम नहीं करूँगा अगर आपके पास आज प्रिंट आउट नहीं है तो भी कोई वरी नहीं है आप आराम से आज प्रिंटआउट निकाल लीजिएगा। और मैं कॉपी में ही लिखाऊंगा आपसे भी जो बातचीत करूंगा, कॉपी में ही करूंगा। आज फर्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस सर्टेन माइंडसेट्स, सो तब तक आप फिर भी देख लीजिए नोट्स वोट्स hello by what time will our class normally end normally we will end the class by 10 o'clock break will be maximum of 10 minutes फाइव टू टेन मिनट्स का ब्रेक आपको रोज़ मिल जाएगा और प्रेफर्ड है कि आप अपने ऑफिस के लिए रेडी होके ही क्लास करें प्रेफर्ड ये है कि आप अपने ऑफिस के लिए रेडी होके बैठ के क्लास करें यह प्रेफर्ड है कंटिन्यूलेस बहुत लेट हो गया या फिर ब्रेक में फटाफट रेडी हो जाएं मतलब नहा धो के क्लास करेंगे तो ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे जैसे सुबह सुबह अगर आप क्लास कर रहे हैं तब की बात है पूरा रेडी होके क्लास करने से या नहा के फ्रेश होके क्लास करने से ज्यादा मजा आता है वर्क फ्रॉम होम है वेरी नाइस तो भी नहा धो के पढ़ाई करेंगे तो oh, दर्शन सोलंकी का ऑफिस स्टार्ट है नाइन थर्टी पे गुड तो दूसरा लैपटॉप में ऑफिस स्टार्ट कर दो और क्या करोगे ओके गाइस वी आर रेडी सो वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट चैप्टर कॉपी में लिखेंगे इन योर कॉपी यू शुड मेंटेन पेज नंबरिंग ऑफ ईच पेज प्लीज डू द पेज नंबरिंग ऑफ ईच पेज जो भी अभी तक कॉपीज में लिखा है उसमें पेज नंबरिंग कर दीजिए First chapter name is Introduction to Strategic Cost Management Introduction to Strategic Cost Management Guys this is pure theory chapter बट अ बेस चैप्टर फॉर योर सिलेबस वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर योर एग्जाम परपज ओके सो डोंट कंसिडर एनी थिंग एज एन इम्पॉर्टेंट इट्स योर फाइनल सब कुछ पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है मैं इस चैप्टर को रीनेम कर दिया हूँ अपने मैट में जिसका नाम है ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मैं इस चैप्टर को रीनेम कर दिया हूं जिसका नाम है ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ठीक है right now you have to write everything in notebook since we have started with chapter 1 is audio coming properly गाइज इज ऑडियो क्लियर एक बार थोड़ा येस सर बोल दीजिएगा ओके okay. थैंक यू मैं ये बोल रहा था कि आप कॉपी में इंडेक्सेशन मेंटेन करिए देखिए सारा गोल अभी यही है कि सेल्फ स्टडी कितना आसान हो जाए इसलिए जो बोल रहा हूँ उसको हम रिलीजियसली फॉलो करिए आंख बंद करके फॉलो करिए विश्वास करके फॉलो करिए कॉपी में पेज नंबरिंग मेंटेन करिए अपना वन टू थ्री ऐसा लिखते चलिए कॉपी का फर्स्ट पेज में इंडेक्स बना दीजिए इंडेक्स कॉपी का फर्स्ट पेज एकदम नया नया कॉपी का नया नया पेज होता है ना फर्स्ट पेज उसमें ओरिएंटेशन लिख दीजिए सेकेंड नंबर आप लिख दीजिए अब इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ठीक है पेज नंबर यहाँ पे इंडेक्स बना के लिखते चलेंगे ऐसा बार बार बोलना ना पड़े कॉपी में मैं सारा का सारा रनिंग नोट्स नहीं लिखाऊंगा द यूज ऑफ एक्सरसाइज बुक विल बी टू राइट एग्जाम्पल्स यूज ऑफ एक्सरसाइज बुक विल बी टू सॉल्व क्वेश्चन वी विल ट्राई टू कीप मैक्सिमम नोट्स इन योर बुक इट्स सेल्फ जो भी नोट्स है विल बी इन बुक इट्स सेल्फ ओके जो सॉफ्ट कॉपी अभी आपको मिला है उसमें सॉफ्ट कॉपी हर चैप्टर का नहीं मिलेगा मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ बार बार बोलिएगा नहीं मेरे को विल बिन बुक इट्स तो जो भी नोट्स का काम है वो बुक में होगा उसी में सिंगल नोट्स साइड में इधर उधर करके करेंगे बट इफ से यू आर नॉट सो कम्फर्टेबल इन राइटिंग बुक्स बाई चांस अभी जैसे सॉफ्ट कॉपी है तो आप हो सकता है उतना कंफर्टेबल नहीं हो अभी करने में तो ऑप्शन क्या हो सकता है एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप जो भी रनिंग नोट्स लिखना चाहें वो कॉपी में लिख सकते हैं कुछ भी रनिंग नोट्स रिलेटेड टू एनी पॉइंट इफ़ यू वांट यू कैन राइट रनिंग नोट्स मींस सर नहीं लिखा रहे बट आप अपने हिसाब से लिखते जा रहे ठीक है और जो मेरे को लिखाना है मैं तो लिखाऊंगा ही कॉपी में या फिर बुक में तो जो मैं बुक में लिखाऊंगा आप बुक में लिखेंगे जो मैं ऐसे न्यू पेज बीच में इंसर्ट करके ऐसे ब्लैंक पेज इंसर्ट करके लिखा रहूंगा आप कॉपी में लिखेंगे ध्यान रहेगा कॉपी में सर एग्जांपल्स और सॉल्यूशंस ज्यादा कराएंगे रनिंग नोट्स इज ऑप्शनल फॉर यू प्रेफर दैट एवरीथिंग इज इन द बुक इट सेल्फ इफ बुक्स विल हैव सम लैक ऑफ स्पेस देन वी विल कम टू रनिंग नोट्स इन योर कॉपी ओके दिस इज़ माई वे ऑफ अप्रोचिंग आप अपने तरफ से मॉडिफाई भी कर सकते हो बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होता था कॉन्सेप्ट नोट्स का अलग कॉपी बनाते थे और सोल्यूशन का अलग कॉपी बनाते थे तो कॉन्सेप्ट नोट्स सारा बुक में है मेरे इस बुक में सब कुछ है कॉन्सेप्ट का भी नोट्स है सब थ्योरी प्रैक्टिकल सारा नोट्स है आपको सिर्फ उसी को इम्प्रोवाइज करना है रेफरेंस उसमें ड्रॉ करने हैं, ठीक है ठीके? कुछ भी रनिंग नोट्स लिखना है प्रेफर है बुक में लिखें और कॉपी में भी लिख सकते हो आपके लिए ऑप्शनल है अगर आप ज़्यादा लिखते हो तो इफ सम स्टूडेंट्स राइट मोर यू कैन राइट इन कॉपी फ्रेंड्स दिस सब्जेक्ट विच हैज़ बिन क्रिएटेड फॉर यू Is actually a combination of your intermediate level subject, which is we call as cost and management accounting, cost and management accounting plus. Strategic management plus some new models, plus some new models, all together becomes your strategic cost management. Altogether, three becomes strategic cost management. So, you need to know how it is different from your current knowledge of costing. Okay, whatever you know today about costing. वॉट एवर यू नो टूडे इज वी आर कॉलिंग एज ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट आपको जो भी थोड़ा बहुत भी कॉस्टिंग पता है उसको हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं बट वॉट यू नीड टू नो इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट वॉट यू नीड टू नो इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट So that's why we have this chapter, introduction to strategic cost management. What is new here? Pura perspective costing ka change ho aapka. Take? I'll give you several examples which you will note with me to understand how do we develop the thought process to learn the subject. The objective of the examples is to

For strategic cost management, as well as these may be used in, may be given in exam questions, may be given in exam questions. First example. सोचिए एक सिनेरियो है सिनेरियो मेकिंग सिनेरियो मतलब क्या होता है अ स्मॉल सिचुएशन वेयर यू आर गोइंग टू जस्ट अप्लाई वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सिनेरियो इन्वाइट्स एप्लीकेशन ऑफ वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू ऑफ अ प्रोडक्ट को लेके सोच रहे हैं कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू ऑफ अ प्रोडक्ट को लेकर हम सोच रहे हैं हमारे पास दो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट ए से कंट्रीब्यूशन आता है ट्वेंटी रुपीस बट बी से हमें लॉस होता है रूपीज का ठीक है अगर हमें डिसीजन लेना है कि कौन से प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें कौन से प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करें तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का व्यू बोलता है बी शुड बी डिसकंटिन्यूड ठीक है सी आई एम इन नो हरी एंड यू शुड नॉट बी ऑल्सो टेक योर टाइम टू राइट टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड Some students prefer to watch videos at their convenience by speeding up. There is no point in speeding up because that will reduce the time to think. Don't speed up. That will reduce your time to write. You will create mess in your notes. Give ample time. Traditional view is saying that B should be discontinued. Why? Because there is a financial loss what does traditional does it relies on financial data it relies on financial data एक्सेसिवली ये क्रिटिकल पॉइंट है जो आपको याद रखना है यह सब कुछ पॉइंट्स मैंने बोले ना पॉइंट्स मैच करने पड़ते हैं आपको तो जहां जहां क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा मैं मार्किंग कर दूंगा वो सब आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा वो आंसर्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए अगर यही चीज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से पूछा जाए कि बी को बंद कर दे क्या तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इतना क्विक डिसीजन नहीं ले सकता है इट विल कंसिडर इट विल कंसिडर नंबर वन वॉट विल हैपन टू द लॉयल कस्टमर्स ऑफ बी जो बी में लॉस हो रहा है बट सेल तो हो रहा है वो कहाँ जाएगा वो कहीं और चला जाएगा तो किसी और का मार्केट बना देगा वॉट अबाउट दैम इट विल कंसिडर द इम्प्लॉज हुआर वर्किंग इन बी हु वेयर वर्किंग फॉर बी हु वेयर वर्किंग फॉर प्रोडक्ट बी उनको क्या करेंगे उनका ट्रांसफर करेंगे कि उनको ले ओवर करेंगे ले ओवर करने से दूसरे एम्प्लॉय के मोरल पर क्या इफेक्ट आएगा वो एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचने लगेगा बिफोर फाइनेंशियली कंक्लूडिंग इट विल ऑल्सो थिंक इम्पैक्ट ऑन एज़ मार्केट बिकॉज ऑफ बी जैसे कभी कभी होता है कि एक प्रोडक्ट को लॉस में बेच के हम दूसरा प्रोडक्ट को प्रॉफिट में बेच लेते हैं तो क्या ए का मार्केट इफेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ बी अगर बी को बंद करेंगे पता चला ए का सेल डाउन हो गया क्योंकि जो कस्टमर बी लेने आते थे वही कस्टमर ए भी ले जाते थे इंपैक्ट ऑन एज मार्केट वॉट इफ एज सेल्स डिक्लाइन इफ बी इज डिसकंटिन्यूड समझ में आ रहा है आपको So, this means that your strategic cost management will consider, SCM will consider financial, it will consider, of course, along with finance. फाइनेंशियल्स के अलावा वो ये सब भी कंसिडर करेगा तो एस सी एम कंसिडर बोथ फाइनेंशियल्स एंड नॉन फाइनेंशियल्स ऐसे फट से वो डिसीजन नहीं लेता है एस सी एम कंसिडर बोथ फाइनेंशियल्स एंड नॉन फाइनेंशियल्स ये एस सी एम की खूबी है ये नॉन फाइनेंशियल्स को हम लोग क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी बोलते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्वालिटेटिव फैक्टर्स देर कैन बी सेवरल अदर्स मैं जस्ट आपको सिंस अभी थॉट प्रोसेस दे रहा हूं तो मैं सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स को नहीं लिख रहा जो प्राइम प्राइम है उसी को लिख रहा हूँ और भी दिख धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग विल लर्न आई होप ये फंडा क्लियर है कि ट्रेडिशनली हम कैसे सोचते हैं स्ट्रेटेजिकली हम कैसे सोचते हैं स्ट्रेटेजिकली हमेशा ये सोचना पड़ता है कि मेरे आज की करनी पर भविष्य में क्या असर पड़ सकता है या फिर मेरे आज के कोई एक्शंस के कारण मेरे दूसरे जो काम चल रहे है, उस पर क्या असर पड़ सकता है इसको मैं बोलता हूँ थ्री सिक्सटी डिग्री व्यू आपको लेना पड़ता है ये मेरा टर्मिनोलॉजी है ये एग्ज़ाम में मत लिखने जाना ये मेरा टर्मिनलॉजी एग्ज़ाम का टर्मिनोलॉजी मैं अलग से आपको रेड से अंडरलाइन करके दे दिया करूँगा ठीक है मेरा अंडरस्टैंडिंग भी होता है जो आपको चीज़ों को याद रखने में हेल्प करेगा वो ये है थ्री सिक्सटी डिग्री व्यू ये याद रखने में हेल्प करेगा बट लिखना क्या है बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल यू कैन नॉट राइट थ्री सिक्सटी डिग्री व्यू उसका मार्क्स नहीं मिलेगा ठीक है एग्जाम क्या है और नॉलेज क्या है उसको डिफ्रेंशिएट करते हुए चलो सेकेंड एग्जाम्पल टू में आते हैं और देखते हैं मेरे पास आठ एग्जाम्पल है अभी अभी तो पहला ही हुआ है और भी परस्पेक्टिव डेवलप होगा दिस इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज Maintenance of plant and machineries. There are two types of maintenance usually. One is we call as breakdown maintenance, another is we call as preventive maintenance. Breakdown maintenance is as and when machines break down. Preventive maintenance is like your routine maintenance. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एस पीरियोडिक मैंटेनेंस जो आप एक इंटरवल में करते रहते हो नाउ वट डू यू थिंक एक कंपनी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कर रहा है तो वो ट्रेडिशनल चल रहा है कि स्ट्रेटेजिक चल रहा है आपका मन क्या बोलता है कि अगर एक कंपनी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कर रहा है मतलब जब जरूरत हो तब मेंटेनेंस कर रहा है जब मशीन ख़राब हो जा रहा है तब मेंटेनेंस कर रहा है टू कीप देर रिपेयर कॉस्ट लो तो वो ट्रेडिशनल है कि स्ट्रेटेजिक है यस yes, वंदना ने आंसर किया है ट्रेडिशनल है वेरी गुड प्रीति ने भी बोला दर्शन ने भी बोला वेरी नाइस ट्रेडिशनल है परफेक्ट जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच जब जरूरत होगा तब करेंगे उसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव होता है की प्रिपेयर कॉस्ट मिनिमम या की प्रिपेयर कॉस्ट लो नाउ द एग्जाम टर्मिनोलॉजी फॉर दिस इज वी कॉल दिस एज शॉर्ट टर्म आउटलुक दिस इज शॉर्ट टर्म आउटलुक ये एग्जाम टर्मिनोलॉजी है इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड फोकस ऑन प्रोसेस रिव्यूज एंड इम्प्रोवाइजेशन भविष्य में बेहतर कैसे करे उस पर फोकस नहीं होता ये इसका एग्जाम टर्मिनोलॉजी है देखो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं मतलब वो रिजिड है चेंज नहीं करना इसका एक्सप्लेनेशन भले ही चेंज कर सकते हो बट ये फ्रेज चेंज नहीं होगा शॉर्ट टर्म सोचा लिमिटेड फोकस ऑन प्रोसेस रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन सोचा ठीक है वहीं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम स्ट्रेटेजिक होता है ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अप्रोच स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अप्रोच है इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म फोकस है लॉन्ग टर्म फोकस रेड से सर ने अंडरलाइन कर दिया मतलब आप समझ लेना ये रिजिड पॉइंट्स है आप इसको चेंज नहीं कर सकते टर्म को एज इट इज याद रखना पड़ेगा अगर स्कोर करना है तो इसी बार मैं इस तरह का फोकस्ड पढ़ाई करा रहा हूँ इसके पहले मैं भी टू बी वेरी फ्रेंक इतना फोकस नहीं था कि आपको ये वर्ड्स याद रखना है क्योंकि इंस्टीट्यूट का एनालिसिस अभी हाल में मैं किया ना क्यों नहीं बदलता है वो वो टर्म को सेम ही चाहता है तो लेट अस एटलीस्ट ट्राई टू स्टडी इन अ वे दैट वी रिमेंबर द हाईलाइटेड टर्म्स यहाँ पे इसका जो फोकस होगा विल फोकस ऑन लॉस ऑफ प्रोडक्शन टाइम कि वो ये सोचने लगेगा कि यार ब्रेकडाउन होगा और फिर रिपेयर होगा तो प्रोडक्शन टाइम ख़राब होगा आइडियल टाइम ऑफ वर्कर्स से पूरी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बिगड़ जाएगी फिर लॉस ऑफ सेल्स हो सकता है उससे कस्टमर लॉयल्टी बिगड़ सकता है उससे गुडविल पे असर आ सकता है इतना चीज़ सोचता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इतना फैक्टर्स को लेकर सोचने लग जाता है कि बहुत बार जो चीज़ सिंपल होती है वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है क्योंकि तो वो हर एक चीज को मल्टीपल डायरेक्शन से सोचने का कोशिश करता है कि इसका और क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे तो लाइफ ऑफ मशीनरी भी तो बढ़ेगा उस पर भी उसका ध्यान रहता है ब्रेकडाउन होकर मेंटेन करोगे तो लाइफ ऑफ मशीनरी भी अफेक्ट होता है ठीक है सो लाइफ ऑफ मशीनरी का भी उसको चिंता है कि मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करूंगा तो लाइफ ऑफ मशीनरी ज्यादा रहेगा कंटिन्यूटी ऑफ यूसेज मिलेगा मशीन का कंटिन्यूटी मिलेगा मेरे को ये लॉन्ग टर्म अप्रोच है मैं जब पहली बार गाड़ी लिया ना वैसे आज तक एक ही बार लिया एक ही गाड़ी है मेरे पास तो मेरा घर मेरे इंस्टीट्यूट से अभी मैं जैसे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ा रहा हूँ आपको घर से नहीं पढ़ा रहा हूँ मेरे इंस्टीट्यूट और घर में जो डिस्टेंस है वो अराउंड थर्टीन टू 14 किलोमीटर्स का है अप्रोक्स और जो रूट है उसमें डायरेक्ट बस नहीं आती है अगर डायरेक्ट बस होता तो शायद मैं गाड़ी नहीं लेता इतनी जल्दी नहीं लेता और थोड़ा रुक के लेता नो डायरेक्ट बस तो सुबह सुबह आने के लिए बस नहीं मिलती है बहुत बार बहुत वेटिंग टाइम होता है तो इसलिए मैंने सोचा गाड़ी ले लो क्योंकि अदरवाइज दो ही ऑप्शन थे क्या तो मैं ओला उबर को यूज़ करूँ या फिर अपना कार लूँ ओला उबर का डेली का जो कॉस्ट था सर्ज वर्ज आ जाता है तो अलग बात है बट अगर विदाउट सर्ज की बात करूं तो वो छः सौ रुपया ले लेगा पर डे प्लस क्या है उनके नखरे ए सी नहीं चलाएंगे फ्लाईओवर्स के ऊपर से नहीं जाएंगे नीचे से जाएंगे अपने नखरे कभी बुकिंग करो नहीं आएंगे कार्ड नहीं है कार होने से मेरा बारह हजार सौ तो ई का जाता है छ हजार रुपये का पेट्रोल भरता है छ सौ रुपया क्लीनर लेता है पाँच हजार रुपया पार्किंग चार्ज लगता है महीने का एट द सेम टाइम एनुअल मेंटेनेंस मेरे हिसाब से पंद्रह हजार रुपया का हो जाता है तो महीने का अगर मैं पकडूं साढ़े बारह सौ आ जाता है तो अगर मैं फ़ाइनेंशियल ही पकड़ता हूं तो पच्चीस हजार तीन सौ पचास होता है डाउन पेमेंट जो दिया उसको एक बार भूल जाते हैं यहाँ पे छः सौ रुपया पर डे के हिसाब से मैं रोज़ ही आता हूँ जनरली काम पे तो अट्ठारह तो हज़ार रुपये ही आता है कार में एक फ़ायदा है कि ये जो छः हजार का पेट्रोल डलता है मेरा इसमें मैं और भी वीक में कहीं घूमने उमने गया कहीं रिलेटिव्स के यहाँ गया तो वो भी कवर हो जाता है ओला उबर में अगर मैं उसका चाहूँ तो दो हजार रुपया और एक्स्ट्रा पकड़ लेता हूँ तो बीस हज़ार रुपया मान लो आता होगा सर्ज वर्ज को इग्नोर कर रहे हैं तो अगर आप ट्रेडिशनली चलोगे तो क्या डिसीजन सही है ऐसे इस थॉट प्रोसेस डेवलप करें दोस्तों ट्रेडिशनली अगर सोचेंगे तो ओला उबर ही सही है सर पांच हजार रुपया बचेगा ही बट फिर भी कार ले लेते हैं क्यों क्योंकि हम लोग सिर्फ फाइनेंस पे जिंदगी नहीं जीते हैं एकदम सही बोला आपने ट्रेडिशनली हम लोग फाइनेंस को ही सोचेंगे बट आपको क्या लगता है हम आम जिंदगी में क्या फिर तो कार कोई लेगा ही नहीं ना आप कार कभी लोगे ही नहीं फिर तो तो आप कार क्यों लेते हो हर बार आप कार का जब जब वर्किंग लगाओगे कार विल बी एन एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव एज कंपेयर टू अदर कन्वीनियंस ऑलवेज और मेरे पास तो बेसिक कार है आई टेन वाली आई टेन यूज़ करता हूँ मैं तो उसका साढ़े बारह हजार ई एम आई जैसी कार का वर्जन बढ़ेगा ई एम आई अमाउंट और बढ़ जाएगा पेट्रोल कंजम्पशन भी चेंज हो सकता है बाकी भले ही सेम रह जाए समझ रहे हैं आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ क्या जिंदगी सिर्फ फाइनेंस पे चलती है नहीं चलती है हम लोग अदर फैक्टर्स सोचते हैं सबसे पहला ये सोचते हैं कि कार में क्या है देखो आई गेट एक्स्ट्रा कन्वीनियंस कि जब चाहे तब चालू किया और चला गया जब चाहे आप तब कहीं पे भी जा सकते हो चाहे रात का एक बजा हो चाहे सुबह का छः बजा हो ठीक है एक्स्ट्रा कन्वीनियंस के साथ साथ आपका नो वेटिंग वेटिंग नहीं है थोड़ा सा कुछ हद तक सोशल स्टेटस भी मिलता है कहीं अपनी गाड़ी से जाते हैं तो थोड़ा इज्जत मिलता है ये बात तो मानना पड़ेगा कार में ए चलती है तो कपड़े की लाइफ बढ़ जाती है लाइफ ऑफ क्लोथ्स थोड़ा सा चेहरा पे बिग साफ़ सुथरा रहता है ग्लैमर रहता है कई सारा चीज का इम्पैक्ट है जी आप उस चीज का भी तो प्राइस पे करती है ना कहीं ना कहीं वो प्राइस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आपको समझाता है मैं बस एक आउटलुक की बात करूँ ये नॉलेज पर्पस के लिए मैंने बताया ये एग्जाम में नहीं आने वाला है जस्ट थॉट प्रोसेस के लिए मैंने बताया कि ऐसा सोच हम लोग को डेवलप करना है अगर हम नहीं डेवलप करेंगे तो हम कैसे सीखेंगे वंदना गोयल का एक क्वेरी आया सर शॉर्ट टर्म आउटलुक इसलिए क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट कॉस्ट रिड्यूस करने पर फोकस कर रहे हैं ना कि लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ कस्टमर ड्यू टू रिड्यूस प्रोडक्शन सोच रहे हैं यस वेरी गुड आप सही रिलेट कर पा रहे हो एकदम सही रिलेट कर पा रहे हो वंदना एकदम सही आपने बोला पॉइंट यही है कि डिसीजन मेकिंग कैसे करना है आज का एक आखिरी एग्जाम्पल होगा दोस्तों थर्ड नंबर एक मोबाइल कंपनी है वो कॉस्ट कटिंग करने के लिए कॉस्ट कटिंग मेजर्स लेते हैं ना वो लोग तो उन्होंने क्या किया सीधा बोला कि जितना रिपेयर सेंटर्स हम लोग का खुला हुआ है उसको डाउन साइज करो डाउन साइज करो मतलब उसका कुछ सेंटर्स को बंद कर दो क्लोज डाउन कर दो ठीक है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट अगर आप इसमें लेके आते हो तो ट्रेडिशनली उसने सोचा कॉस्ट कटिंग करना है रिपेयर सेंटर को कम कर दो तो उसमें फोकस क्या है ना कॉस्ट रिडक्शन पे है फोकस इज ऑन कॉस्ट रिडक्शन या फिर हम लोग इसको कॉस्ट मैनेजमेंट भी बोलते हैं बट यही अगर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से जाके पूछोगे वो ये सोचने लगेगा कि अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट सेविंग्स क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि आप कुछ रिपेयर सेंटर बंद कर दोगे तो सम कस्टमर्स नीड टू गो टू अदर रिपेयर सेंटर्स अरे कुछ रिपेयर सेंटर्स में कुछ तो लोग आते ही थे गो टू अदर रिपेयर सेंटर्स सो उससे क्या आपका सेल अफेक्ट होगा विल दिस अफेक्ट द सेल्स इफ येस बाय हाउ मच सेकेंड नंबर जो अदर रिपेयर सेंटर में जाएंगे वेटिंग टाइम वहां बढ़ने लगेगा ना फिर क्योंकि वहां लोड बढ़ गया वेटिंग टाइम विल इंक्रीज इन द करेंट इन द वर्किंग रिपेयर सेंटर्स इससे कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन आता है कि बहुत लंबा रिपेयरिंग का क्यू रहता है भाई ये सीधा गुडविल को अफेक्ट करेगा थर्ड नंबर ब्रांड इमेज भी बोलते हैं ब्रांड इक्विटी भी बोलते हैं ये वर्ड भी याद रखिएगा थर्ड नंबर व्हाट अबाउट वर्कलोड ऑफ एम्प्लॉज एक सेंटर बंद हो गया इधर आ गया सब काम तो वर्कलोड ऑफ एम्प्लॉज व्हाट अबाउट वर्कलोड ऑफ एम्प्लॉयज इन द वर्किंग रिपेयर सेंटर्स इंप्लॉ टर्न ओवर रेट्स बढ़ जाएगा में इंक्रीज द एंप्लॉय टर्न ओवर रेट अल्टीमेटली इंप्लॉयी टर्नओवर होने से नुकसान होता है ये आपको पता है पॉइंट ये है कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ये सोचता है कि आपका कोई भी चीज जो आप करके दे रहे हो क्या उससे वैल्यू क्रिएट हो रहा है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट थिंग्स अबाउट वैल्यू क्रिएशन वैल्यू क्या होती है वैल्यू होती है कि जिसको कस्टमर इम्पोर्टेंस देता है व्हाट कस्टमर्स कंसिडर इम्पोर्टेंट जैसे आज हम कोई मोबाइल लेते हैं तो हम ये सोच के लेते हैं बहुत बार कि इसका रिपेयरिंग वगैरह का सर्विस सेंटर आसपास है कि नहीं है अगर नहीं है कोई बोल देता ना कि अरे ये मोबाइल ले रहा है यार इसका रिपेयर सेंटर है ही नहीं तुम्हारे शहर में ही नहीं है कुरियर करना पड़ेगा बैंगलोर में तो हम लोग डर जाते रहे नहीं मतलब अरे इसका रिपेयर सेंटर आस पास ही है तो ले लो ले लो कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो देखा जाएगा वॉट कस्टमर्स कंसिडर इम्पॉर्टेंट आर योर कस्टमर्स कंसिडरिंग टू हैव रिपेयर सेंटर नियर बाई एज इम्पॉर्टेंट देन यू हैव टू कंटिन्यू विद डेट एस सेम थिंग्स अबाउट वैल्यू क्रिएशन ओके एंड इट जस्ट डज नॉट थिंक अबाउट इट

मैं कभी मोबाइल लूँ या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लूँ ठीक है तो मैं किसी भी कंपनी को जब प्रेफर करता हूँ ना तो एक ट्रेडिशनल ह्यूमन बींग हूँ इसलिए मैं पहले पता लगा लेता हूँ कि उसका रिपेयरिंग का क्या सिचुएशन है सर्विस कैसे मिलेगा जैसे इवन एयरटेल वोडाफोन में भी स्विच अप करते ना तो ये पता लगाते हैं कि उसका सर्विस कैसे मिलेगा किसका सर्विस अच्छा है तो वो लोग बोलते हैं एयरटेल का अच्छा तो एयरटेल ले लिया वोडाफोन का पास में है नहीं बहुत नाटक करता है रिपेयर सेंटर्स बेकार है या फिर मतलब सर्विस सेंटर बेकार है तो नहीं लिया मोबाइल में ऐसे ही होता है सो so, कस्टमर किस चीज़ को वैल्यू दे रहा है उस चीज पे काम करना चाहिए ना कि सिर्फ कॉस्ट मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए ट्रेडिशनल का फोकस है ये याद रखना है कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट मैनेजमेंट बट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का फोकस है वैल्यू क्रिएशन सिर्फ खाली कस्टमर के लिए ही नहीं एम्प्लॉयज़ के बारे में भी वो सोचता है ठीक है ऐसे मेरे पास और भी एग्जांपल्स है सिंस आज का टाइम ख़त्म हुआ तो हम आज यहाँ पे रुक जाएंगे ऐसे और भी कुछ एग्जांपल्स पहले लिख लिख कर हम लोग कुछ पॉइंट्स समझेंगे ट्रेडिशनल और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है फिर हम आगे बढ़ेंगे आज की क्लास यहीं पर रोक दी जा रही है आपका समय का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ फिर मिलेंगे थोड़ा सा एक बार हर क्लास के बाद एक रूल बना लीजिए कि ऑलवेज रिवाइज़ इवन फॉर टेन मिनट्स इफ़ पॉसिबल ठीक है फॉर जस्ट टेन मिनट्स ऑल्सो बिफोर योर क्लास और मे बी आफ्टर योर क्लास जैसे भी आपको समय मिले ओके बिफोर और आफ्टर और अगर कुछ भी होमवर्क मिलेगा तो वो तो अलग से है प्लस होमवर्क जो मिलेगा वो अलग से आज होमवर्क कुछ नहीं मिला बट ऑलवेज रिवाइज फॉर जस्ट टेन मिनट्स बिफोर और आफ्टर द नेक्स्ट क्लास जैसा भी हो आप देख लेना बट ये रिविज़न बहुत ज़रूरी है हम लोग आज यहीं पे रुक जा रहे हैं आपके पास यदि अभी तक बुक नहीं आया जो कि मैंने तो अभी तक भेजा ही नहीं है तो आप कृपया करके प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें और फिर प्रिंट पर हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल्स जो भी होगा वो हम लोग कॉपी में लिखते रहेंगे जब हम प्रिंट आउट से पढ़ेंगे यानी नोट्स में जाएंगे तो वहां पे उससे रिलेटेड वहां पे नोटिंग करेंगे राइट right? चलो थैंक यू सो मच टेक केयर अविनाश सिंह ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया जाते जाते रीजन ऑफ शेवरले कार फेलियर इन इंडिया इवन ऑडी का भी यही प्रॉब्लम्स आ रहा है अभी बहुत सारे लग्जरी कार्स में भी ये सब प्रॉब्लम्स आ रहा है कि नियर बाई सर्विस सेंटर्स ही नहीं है गुड गुड आप अच्छा रिलेट कर रहे हैं हालांकि यही बात है कि ये सब नॉलेज है डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आता है बट इन नॉलेज से आपका कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लैरिटी होता है जो भी मैंने रेड से मार्क किया वो सब पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा धीरे धीरे करके याद हो जाएगा कोई बात नहीं बाय बाय टेक केयर बाय बाय